नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वस्यायाणं नमो वस्यायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो लोये सब साहुणं ऐसो पंच नमकारो ऐसो पंच नमकारो सब पाव प्रणासनो सब पाव प्रणासनो मंगलानंच सब्वे सिं मंगलानंच सब्वे सिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योगबल जगत भर के सत पुरुषों का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल समस्त विश्व का कल्याण करे समस्त विश्व का कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे जगत कल्याण हो 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 जगत कल्याण हो। निज स्वभाव से सद्गुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु
सत्यम निश्चय वंद्यः सत्यम निश्चय वंद्यः तैत्रिश कोटि देवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् जगकल्याणकाय नमः मंगलमय द्यो आशिषम् सिद्धस्वरूपे मूर्तमो गलति भूलको मापितो व्यवहारे सदबुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि दो जय सच्चिदानंद 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 हे श्री पद्मावती माँ हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि हम सब महात्माओं को हम सब महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों और सहायक संजोगों प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो हे श्री अम्बे माँ हे श्री अम्बे माँ हे श्री भद्रकाली माँ हे श्री भद्रकाली माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो किंचित मात्र भी दुख न हो ऐसी स्यादवाद वाणी ऐसी स्यादवाद वाणी स्यादवाद वर्तन स्यादवाद वर्तन और स्यादवाद मनन करने की और स्यादवाद मनन करने की परम शक्ति दो जय सच्चिदानंद जितने भी अनुभवी ज्ञानी पुरुष महापुरुष समर्थ पुरुष आध्यात्मिक पुरुष इन पास्ट हो गए सभी का एक ही मंतव्य है कॉमन मुक्ति का मार्ग सहज है सरल है और सुगम है
मगर इसका दाता दुर्लभ है। अभी हम सबको ये बात मालूम है कि ज्ञान तो हमको मिल गया, यानी दाता मिल गया, फिर भी हमको सहज सरल लगता नहीं है। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? अगर उनका अनुभव है कि मुक्ति का मार्ग सहज है, सरल है और सुगम है, तो फिर मिलने के बाद भी हमको अनुभव में क्यों नहीं आता है और क्यों आज भी हमको डिफिकल्ट लगता है? दैट इज अ क्वेश्चन, राइट? या तो हम समझ नहीं पाए या तो वो समझा नहीं पाए, दो में से एक की तो गलती है ही, क्योंकि रिजल्ट नहीं आता है। हमारा कंसल्ट रिजल्ट के साथ है, तो रिजल्ट में दो ऑप्शन है, एक देने वाला है, एक लेने वाला है, ठीक है? अगर देने वाला सही देता है, लेने वाला गलत, तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। अगर देने वाला सही नहीं है, लेने वाला सही है, तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। कहीं जगह तो करेक्शन की जरूरत है ना? हम कहेंगे सब सही है, फिर कहेंगे रिजल्ट नहीं आता है, तो दिस इज अ अनकॉमन सेंस टॉक। यस और नो? कोई भी व्यक्ति का रिजल्ट नहीं आएगा और फिर हम गलती भी नहीं स्वीकार करेंगे, तो दोनों बात कॉमन सेंस के बाहर की बात है। कहीं तो गलती है ना? जब रिजल्ट नहीं आता है तब, ठीक है? तो रिजल्ट नहीं आने का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? क्योंकि आध्यात्म का मार्ग यानी मुक्ति का मार्ग और धर्म दोनों अलग चीज है, क्या है? और दोनों का रिजल्ट भी अलग है। और तीसरा पार्ट आता है सामाजिक जीवन, ये तीसरा पार्ट है। सामाजिक जीवन के अंदर मेन सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटी, मानवता है। धर्म के अंदर मानवता प्लस रिलीजन, रिचुअल्स, गॉड, गुरुज जोड़ दिए, मानवता प्लस, तो वो रिलीजन बन गया। पहले सामाजिक धर्म था, ह्यूमैनिटी, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, नो कास्ट, नो रिलीजन, नो पर्टिकुलर गॉड, ओनली ह्यूमैनिटी, ह्यूमन टू ह्यूमन लव, एंड इंसान इंसान के लिए सोचे, वो मानव धर्म था जिससे पूरी दुनिया खुशहाल थी। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई जगह अंतर नहीं था। हो सकता है सोच ज्यादा कम हो सकती है, पैसा ज्यादा कम हो सकता है, पढ़ाई ज्यादा कम हो सकती है, हाइट ज्यादा कम हो सकती है, कलर व्हाइट या ब्लैक हो सकता है, मगर ह्यूमैनिटी इज अ कॉमन फैक्टर। सबको साथ लाने में मानवता एक सबसे बड़ा केंद्र था, ठीक है? बाद में धर्म जुड़ गया। क्या जुड़ गया? धर्म जुड़ने से पार्टीशन जुड़ गया। एवरीवन दे टेल अस आई एम राइट एंड द अदर वन इज नॉट राइट, मैं सही हूं बाकी गलत है, एक एंगल। दूसरा एंगल, मैं ऊंचा हूं ये नीचा है। तीसरा एंगल, मैं बड़ा हूं ये छोटा है। हर प्रकार के अंतर बना दिया, मगर फिर भी धर्म के अंदर कम से कम एज अ इंडिविजुअल पापों से बचो और पुण्य उपार्जन करो, वो दुनिया के हर धर्म दिखाता है। मानवता से ऊपर का स्टेप, पापों से बचो और पुण्य का उपार्जन करो, पापों के लिए आप, गलती के लिए आप क्षमा मांगो। और रिलीजन की बात करता हूं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, सभी धर्मों के अंदर माफी मांगने की तरीका अलग अलग हो सकता है, मगर कॉन्सेप्ट जरूर है हर धर्म के अंदर। तो इंसानियत, उसके आगे धर्म आएगा। हर धर्म के अंदर इंसानियत तो जुड़ी हुई है। जैनों में 5 महाव्रत है, वो ह्यूमैनिटी के लिए है। नरसिंह मेहता ने 11 महाव्रत बताए, वो ह्यूमैनिटी के लिए, वो सोल के लिए नहीं है, पर गुड ह्यूमन।
मगर उसको धर्म में जोड़ दिया, इसलिए इसको धार्मिक बन गया है। तो कहने का मतलब यह है कि ये धर्म में पापों से बच के पुण्य का उपार्जन करे, वो तो बताया, मगर धर्मों के बीच जो दीवार बनी, इससे राग द्वेष इतने बिगड़ गए कि इंसानियत के अंदर खतरा पैदा हो गया। नहीं समझ में आया? एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले को मारने तक चल गए, हिंसा पे आ गए, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे। या सुन लो, तो इतना तो गिरा हुआ नहीं होना चाहिए ना धर्म। इंसानियत तो हमारा बेस है, उसके ऊपर धर्म आएगा, राइट और रॉन्ग। तो इंसानियत तो छोड़ के तो धर्म नहीं हो सकता है, हो सकता है? नहीं हो सकता है। मगर आज क्या हो गया, आज धर्म में क्या बन गए, दीवार बन गए और कट्टर बन गए। क्या बन गए? कट्टर। कट्टर समझते हैं? अभी उस नींव के ऊपर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इंसानियत की नींव के बाद धर्म आता है और धर्म की नींव के बाद स्पिरिचुअल आता है, मगर आपकी जो नींव है वो ही भेदभाव वाली है। क्या है? तो धार्मिक सत्य भी भेदभाव वाला होने से सनातन सत्य कैसे समझ पाओगे? इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। मानव धर्म भी यूनिवर्सल था और आध्यात्मिक धर्म भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। मानव धर्म इंसान के लिए यूनिवर्स था और आध्यात्मिक धर्म तत्व के हिसाब से यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबके लिए एक है। और बीच में रिलीजन आता है, क्या आता है? तो ये इतना गिर गया ताकि लोग अध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, धर्म भी सच्चा नहीं समझ सके। धर्म इंसानियत से आगे जाने का साधन है, प्रभु की भक्ति का साधन है, किसी का विरोध करने का साधन नहीं है, किसी को गलत दिखाने का साधन, मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो वो दिखाने का साधन, मैं मानव से भगवान की भक्ति करके अपने आप को पवित्र बनाओ। ह्यूमैनिटी इज अ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन एंड रिलीजन इज अ पायसनेस ऑफ ह्यूमन। ये पवित्रता की बात है। मानव से आप पवित्र बनोगे, इसको धर्म कहेंगे। तो ये पिलर सब बिगड़ गया धर्म के, और हर धर्म कॉमर्शियल हो गया। क्या हो गया? क्योंकि मेरा धर्म बड़ा है, वो दिखाने का एक ही साधन है। यू लुक आउटसाइड, हाउ मेनी टेम्पल्स, हाउ मेनी फॉलोअर्स, हाउ मेनी इंस्टीट्यूट, हाउ मेनी शो अप, हाउ मेनी प्रेजेंटेशन, इससे मेरा धर्म बड़ा है ऐसा मैं बोल सकता हूं। ऐसा हो गया एंड इट्स रिक्वायर्ड टू मच मनी। यस और नो? अगर धर्म ही मनी ओरिएंटेड हो गया और बिजनेस भी मनी ओरिएंटेड हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस? यहां भी हाउ टू मेक मनी इन अ बिजनेस या हाउ टू मेक मनी, अप्रोच तो एक ही हो गया ना। यहाँ बिजनेस का नाम है, यहाँ गॉड का नाम है, मगर अप्रोच तो एक ही है ना। यू अंडरस्टैंड मी? यस। अभी इस पाए के ऊपर हम आगे बढ़ना चाहेंगे। हाउ इट इज पॉसिबल? फंडामेंटली इट इज नॉट करेक्ट। फंडामेंटली समझते हैं? जब साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, तो समाज की फर्ज है उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए रहने के लिए, परमानेंटली मालिक ही नहीं रहने के लिए, तो प्रोवाइड करना हमारी फर्ज है समाज की, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की हमारी फर्ज है, बीमार होते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की हमारी फर्ज होती है, हमारी मतलब समाज की फर्ज होती है। मगर आप इसको इतना मत बना बड़ा बना दो ताकि वो ऐसा नहीं समझे कि आप हमारे पास आओगे
तो हम ज्ञान से बड़े नहीं हैं, व्यवहार से बड़े हैं। ऐसा बड़ा मत बनाओ धर्म गुरुओं को। समझ में आया? ज्ञान पाने के लिए हजारों माइल जाओ, अच्छी बात है, मगर जब काम के लिए जाना आपको पड़ेगा तभी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, एंड थ्रू द प्रोसीजर यू हैव टू पास थ्रू द प्रोसीजर लाइक अ मिनिस्टर, लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, लाइक अ प्रेसिडेंट। दैट इज द वे टू अप्रोच द लीडर ऑफ रिलीजन। ऐसा होना चाहिए। इतना बड़ा किसने बनाया? एक धर्मगुरु ने आज संन्यास ले लिया, दीक्षा ले लिया, ठीक है, इज वेरी नॉर्मल। यहाँ से यहाँ तक किसने बनाया? बड़ा बड़ा किसने बनाया? वो भौतिक बनाया क्या आध्यात्मिक बनाया? भौतिक। अभी हमको मिलना है, नो टाइम, इसके पास समय नहीं। आप समझे? आप अपॉइंटमेंट मांगोगे तो आपको बहुत सारा प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। आप कौन हो, कहाँ से आते हो, कितने साल से पहचानते हो, आपको क्या काम है, आपने संस्था के लिए कुछ किया है। इतने पैसे पास होंगे, बाद में वो सोचेंगे, ये आपके उत्तर के ऊपर स्क्रूटिनी होगी। स्क्रूटिनी समझते ना, बाद में डिसाइड करेंगे कि अपॉइंटमेंट देना है कि नहीं देना है। मगर आप कहोगे आई एम टोटली अननोन पर्सन एंड आई एम कमिंग फर्स्ट टाइम टू मीट योर गुरुज एंड आई वॉन्ट टू रेडी टू पे 1 crore rupees, तो नो क्वेश्चन, यू कैन वेलकम। नहीं समझ में आया? उसी धर्म गुरु से हम अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? गलती हमारी भी है। समझ में आया? दैट्स इट। ये धर्म की बात करता हूँ, फिर अध्यात्म में आता हूँ। तो मानवता का बेस था, उसके बाद धर्म था, और धर्म के बेस पर क्या था? आध्यात्म था। अभी आप मानवता का स्तर बिगड़ गया, धर्म का स्तर बिगड़ गया, अभी आध्यात्म कैसे अनुभव कर सकोगे, कैसे आगे बढ़ सकोगे? हाउ टू रीच देयर, हाउ टू अंडरस्टैंड, ये बियॉन्ड, ये ऊपर है या नीचे है? ये पिलर खराब हो गया मानवता का और धर्म का, और आप कहोगे कि मैं आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ। हाउ इट इज पॉसिबल व्हेन यू आर फेल इन पिलर? ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने ज्ञान दिया, बाद में मालूम है कि कैरेक्टर में फेल है, नौ कलम दिया, यस और नो, वाई? मेरे को तो मोक्ष में जाना है, और नौ कलम तो प्रकृति के लिए है, एक भी शब्द आत्मा के लिए नहीं है, वाई? इट्स रिक्वायर्ड द कैरेक्टर, इट्स रिक्वायर्ड कैरेक्टर। बिना कैरेक्टर स्पिरिचुअल साइंस डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये शब्द ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? आध्यात्म विज्ञान वो शब्द ज्ञान नहीं है। इट इज अ मैटर टू रियलाइज इट, अनुभव करना है, और अनुभव करने के लिए जब योर कैरेक्टर इज अनस्टेबल, क्या होता है? अनस्टेबल। तो कैरेक्टर का मतलब अच्छा बुरे की बात नहीं है, कैरेक्टर का मतलब होता है आपकी नीयत सही नहीं है। क्या नहीं है? नीयत सही नहीं है। कोई भी डील में आपकी आपका इंटेंशन सही नहीं है। मैं मंदिर बनाऊंगा, लोगों को लगेगा बहुत अच्छा काम करता है फॉर सोसाइटी, यस और नो? मगर मैं वही टेम्पल बना के 2 number का 1 number कर दूंगा, और कोई जगह जितने भी पैसा आप 2 number कर दूंगे 1 number हो जाएगा, इट्स नॉट रिक्वायर्ड द प्रूफ, यस और नो? यस और नो? टेम्पल के अंदर कितने भी पैसे आएंगे इसका प्रूफ कोई मांगेंगे? होगा भी? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, नहीं मांगेंगे, कोई प्रूफ नहीं मांगेंगे।
तो मेरा इंटेंशन क्या है? टेंपल है, मन है। नाउ यू अंडरस्टैंड? इस बहुत सारी बातें हैं, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। एनीवे, अभी आध्यात्म की बात करते हैं। आध्यात्म का मार्ग क्या है? इट्स टोटली स्पिरिचुअल साइंस ऑन अ बेस ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ लॉ। इसको डायरेक्टली ह्यूमैनिटी एंड रिलीजियस से कंसर्न नहीं है, मगर ये क्वालिटी में पास होंगे तब भी आपको आध्यात्म के मार्ग में रुचि रहेगी। इस दोनों के पथ पर है, इसमें रुचि नहीं आएगी, इसको ये दोनों में से पास होना पड़ेगा। आप समझे? फिर आपको कोई इच्छा नहीं रहेगी, तभी आपको आध्यात्म के मार्ग में इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आध्यात्म का मार्ग वो सामाजिक धर्म या धार्मिक धर्म नहीं है, वो बियॉन्ड है। क्या है? बियॉन्ड। वो सनातन तत्व और सनातन सिद्धांत के ऊपर आधारित है, वो सामाजिक और धार्मिक सत्य के ऊपर आधारित नहीं है। उसमें ये दोनों कंसर्न नहीं है डायरेक्टली। आप समझे? तो जब हम आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, मोक्ष की बात करेंगे, आत्मा की बात करेंगे, कर्म बंधन से छूटने की बात करेंगे, तभी हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये एक्शन की बात नहीं है। क्या नहीं है? मन वचन काया की जो क्रिया है वो दोनों बात सामाजिक या धार्मिक सत्य है। क्या है? स्पिरिचुअल में ये नहीं आता है। मन वचन काया तीनों का जो क्वालिफिकेशन है सामाजिक या धार्मिक, इसको स्पिरिचुअल से कोई डायरेक्ट कंसर्न नहीं है, डायरेक्ट कंसर्न नहीं है। मगर ग्रो इस प्रकार से होता है, विकास समझते हैं? पहले मानव धर्म, पहले मानव धर्म आएगा, फिर धार्मिक धर्म, फिर आध्यात्मिक, ऐसे स्केल आएगा। तो आध्यात्म के मार्ग में समझने के लिए हमारे पास क्या विजन होने चाहिए? जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो विजन होने चाहिए, इंडिविजुअल ट्रूथ नहीं होने चाहिए, लाइक अ व्यू पॉइंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। आध्यात्म का मतलब ही यही है, बियॉन्ड सोशल एंड बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड सोशल एंड बियॉन्ड रिलीजन। क्योंकि ये जो आध्यात्म मार्ग है, अभी थोड़े समय पहले करीब ये मंथ ऑफ अगस्त आई एम इन टोरंटो और एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट मेरे को मिलने के लिए आया। वो दिल्ली में नौकरी करता था, अपना गुजर सौराष्ट्र का है, दिल्ली में नौकरी करता था थर्मल पावर स्टेशन में, अभी वहाँ करता है 6-7 साल से। तो कहीं से कंसल्ट करके वो मेरे पास आए, न्यूज़पेपर में भी आया था एड सब, तो मेरे पास आए। वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनकी वाइफ एम डॉक्टर थी, कोई स्पेशलिस्ट थे नहीं मालूम मेरे को। ये दोनों मिलने के लिए मेरे पास आए और वो काफ़ी, उनकी बातें, उनका क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था और मेरे को बहुत पसंद आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न करते हैं ना, आई लाइक इट, आई एम वेरी हैप्पी। और उत्तर भी इस प्रकार से निकलता है क्योंकि वो थिंकर है, वो धार्मिक नहीं है। उन्होंने सिंपल बात कहा, पहला फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भौतिक विज्ञान मटेरियल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मटेरियल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस, डिफरेंस क्या है? क्योंकि हम मटेरियल साइंस को बिलीव करते हैं और आप स्पिरिचुअल साइंस की बात करें, दोनों में साइंस वर्ड तो कॉमन है,
मगर यहाँ मटेरियल है, भौतिक, यहाँ आध्यात्मिक है. व्हाट इज द डिफरेंट? दोनों में साइंस शब्द कॉमन है, और साइंस का मतलब ही होता है प्रिंसिपल. और साइंस एक ही चीज ऐसी है जिसका कोई क्रिएटर नहीं होता है. साइंस से छोटी छोटी बात इंसान वो टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो प्रिंसिपल के ऊपर बना सकते हैं मैन, इंसान को हेल्प होने के लिए. मगर प्रिंसिपल तो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है. क्या होता है? यूनिवर्सल. तो दोनों में साइंस शब्द कॉमन है, तो लाइन ऑफ डिमार्केशन दोनों में क्या है? तब मैंने कहा आप फाइव एलिमेंट्स को बिलीव करते हैं, जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस. ये पांच तत्व को बिलीव करते हैं, और वही पांच तत्व आध्यात्म भी बिलीव करता है. देर इज नो डिफरेंस बिटवीन फाइव एलिमेंट्स, वी बोथ आर इक्वल ऑन अ बेस ऑफ फाइव एलिमेंट्स. बट यू बिलीव ओनली द फाइव एलिमेंट्स एंड यू रिसर्च ऑन अ फाइव एलिमेंट, सो यू आर मटेरियल साइंटिस्ट. और हम पांच तत्व प्लस सोल की, चेतन की बात करते हैं, वो स्पिरिचुअल हो गया. देर इज नो डिफरेंट, ओनली द वन एलिमेंट्स. अगर चेतन लगा दिया तो आध्यात्मिक हो गया, चेतन निकाल दिया तो भौतिक हो गया. ये उत्तर सुन के वो इतना खुश हो गया, आई कैनॉट बिलीव इट. लास्ट सो मेनी ईयर्स आई रीड सो मेनी बुक्स एंड आई मीट सो मेनी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पीपल अमंग द डिफरेंट एरियाज इन डिफरेंट प्लेस, बट नोबडी कैन एक्सप्लेन लाइक दैट. यू अंडरस्टैंड मी? सब लोग कहेंगे कि ये भौतिक चीज अलग है या आध्यात्मिक अलग है, तुमको समझ में नहीं आएगा, आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. तो वो नहीं बिलीव करेगा ना, इज अ साइंटिस्ट, इनको वन प्लस वन इज इक्वल टू ऐसा चाहिए. ऐसे गोल गोल बातें कौन करेगा? श्रद्धा के लोग करेंगे, सिद्धांत के लोग नहीं मानेंगे आपको. तो बहुत खुश हो गया आंसर से. फिर दूसरा प्रश्न किया, दुनिया के इतने सारे धर्म हैं और ये आध्यात्म विज्ञान की आप बात करते हैं, ये दोनों में क्या अंतर है? इतने सारे धर्म हैं, सब धर्म की बात है, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जो भी है, और आप कहते हैं ये आध्यात्म विज्ञान की मैं बात करता हूं, तो व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंट? कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना. तब मैंने कहा All religion of the world, they follow the format. All religion of the world, they follow the same format. Only the title is changed, but the format is the same. कौन सा format है? God का एक format है, गुरु का एक title है, दूसरा title है temple का. Temple कहो, church कहो, mosque कहो, कुछ ना कुछ चाहिए ना. फिर मंत्र का कॉलम होता है, किसका कॉलम? सभी धर्मों के अंदर, ठीक है, सब में. फिर आएगा स्क्रिप्चर, हर धर्म की अलग अलग होगी. इसके नीचे आएगा करंट डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स, वो भी सब में होता है. उसके नीचे आएगा रिचुअल्स, वो भी सब में आएगा. और इसके नीचे होगा इंस्टीट्यूट. यस और नो? ये क्या हो गया? वो सब में कैसा होता है? Same. क्या अलग अलग होता है? Same. Format is the same, but the identification is different. आप ये format follow करो या ये करो या ये करो. और मैं बात करता हूं आध्यात्म विज्ञान की beyond format. I have no concern and subject with format. आप समझे? I have no concern in a spiritual path, no concern with format. It's a religion. Format is a religion. ये धर्म है, ये भी क्या है? ये पास करने के बाद ही होता है. तो दोनों एक नहीं है. क्या नहीं है? Format में spiritual नहीं है, और spiritual में
ये बात पहले समझनी पड़ेगी, अदरवाइज यू आर कंफ्यूज, न यहाँ के रहोगे न वहाँ के रहोगे। सो हम फॉर्मेट फॉलो करके हमें अध्यात्म में जाना है। बताओ बताओ धीरे 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 मैं प्रश्न करने का आपको समय दूंगा, डोंट वरी। पहले मैं एक बात को सेट कर देता हूँ ताकि 95% प्रश्न आपका सॉल्व हो जाए, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? तो फिर स्पिरिचुअल में क्या है? धर्म में तो फॉर्म बता दिया, स्पिरिचुअल में क्या है, उसका बेस क्या है? धर्मों का बेस तो फॉर्मेट है, तो स्पिरिचुअल का बेस क्या है? तो स्पिरिचुअल का बेस है कुदरत, कुदरत का कानून, एंड नेचर विल क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस। कुदरत, कुदरत का कानून और कुदरत ने बनाए हुए सर्कमस्टेंसेस, ये तीनों बात आती है। थ्री थिंग्स, नेचर, लॉ ऑफ नेचर एंड नेचर क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस, ये तीन बात आती है। इसके आगे धर्म की बात तो आपको मालूम है, फॉर्मेट की मैं डिटेल में नहीं जाता बिकॉज यू नो, आप सब जानते हैं इसको। स्पिरिचुअल साइंस की बात करूंगी, उसमें तीन बातें बताई, नेचर, लॉ ऑफ नेचर एंड नेचर विल क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेचर, नेचर का मतलब क्या? नेचर तो हम बोलते हैं, कुदरत, कुदरत शब्द प्रयोग तो करते हैं, कुदरत किसको कहेंगे? पेड़ पौधे वनस्पति किसको कहेंगे? नेचर सूर्य चंद्र किसको कहेंगे? नेचर आकाश धरती पेड़ पौधे पर्वत नदियां समंदर जंगल किसको, नेचर किसको कहेंगे? तो नेचर यानी कुदरत की डेफिनेशन है, नेचर मीन्स टोटल ऑफ सिक्स इटर्नल एलिमेंट्स। क्या बताया? सिक्स इटर्नल एलिमेंट्स का टोटल इज इक्वल टू वन वर्ड्स नेचर। कुदरत के बाहर कोई है नहीं और छह तत्वों के बाहर भी कुछ नहीं, तो नेचर हो गया। कुदरत की डेफिनेशन, टोटल ऑफ सिक्स इटर्नल एलिमेंट्स, और ये पूरी सृष्टि पूरा ब्रह्मांड छह तत्वों से बना हुआ है और कोई सातवां तत्व नहीं है, है ही नहीं, आप समझे? तो ये कुदरत की डेफिनेशन, उसमें होल वर्ल्ड आ गया, समझ में आया ना? उसके नीचे जाओगे तो लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का कानून। अभी नेचर सबके लिए एक है कि अलग अलग है? एक है। कुदरत का कानून सबके लिए एक होगा कि अलग अलग होगा? एक ही होगा। तो कौन सा ऐसा कानून है जो सबके लिए एक है? रिलीजन कोई भी है, बिलीफ कोई भी है, मगर प्रिंसिपल तो एक ही रहेगा, दे बिलीव इट और नॉट। ऐसे बहुत सारे कानून है जो हम जानते हैं, ऐसे बहुत सारे कानून है जो हम नहीं भी जानते हैं, फिर भी वो लॉ ऑफ नेचर है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले कर्म का सिद्धांत, कॉज एंड इफेक्ट, संबंध दे बिलीव इट और नॉट बट इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, कोई माने या ना माने मगर सबके लिए क्या है इसका? कॉज करोगे तो इफेक्ट होगी, कर्म करोगे तो कर्म फल मिलेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर फॉर ऑल। कोई भी कास्ट वाला रिलीजन वाला कहेंगे हम नहीं बिलीव करेंगे, फिर भी उसको लगेगा बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ, तो लॉ ऑफ नेचर इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, आइदर वी बिलीव इट और आप मानो या ना मानो, एक कुदरत का कानून सबके लिए एक है। दूसरा कानून री इनकार्नेशन, पुनर्जन्म, कोई माने या होगा, कर्म बनाए तो भुगतान के लिए जन्म लेना ही पड़ेगा, आप नहीं मानोगे तो भी,
कुदरत का कानून आपकी मान्यता के ऊपर काम नहीं करता है। यस और नो? आप नहीं मानोगे तो भी काम करेगा, आप तो नहीं मानोगे, वो आपकी अज्ञानता है, उससे उसका क्या फर्क होता है? कई लोग कहते हैं कि कुदरत का कानून हमको क्यों लगता है, कई लोग कहते हैं why we have no concern। तब मैंने कहा ये बॉडी ही कुदरत का है, वो आगे सब्जेक्ट आएगा। एनीवे, तो कुदरत का कानून बहुत से है, हम जो भी कर्म करते हैं और कर्म का जो फल मिलता है उसमें दो पार्ट है, वो डिसाइडेड कि ये कर्म का ये फल आपको देना है, कौन करेगा? कोई इंसान करेगा, कोई देवी देवता करेगा, कुदरत करेगा। तो कुदरत करेगा तो वो कुदरत का कानून सबके लिए एक होगा कि अलग अलग? एक ही होगा। तो पहला काम है आपके पाप और पुण्य का वेट करना कि उसमें उसके उसके अंदर क्या आपको फल मिलने वाला है, इसका फल वो डिसाइड करना। उसके बाद दे क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ सफरिंग, कर्मों के भुगतान के वो संजोग बनाएंगे, राइट? हमको मालूम है कल क्या होने वाला है, मगर सफरिंग तो होने वाला है ना। देन हु क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ सफरिंग? नेचर। व्हाई? बिकॉज ऑफ our previous birth cause, and it is for everybody. यहाँ choice नहीं है, if you believe it or not. इसे law of nature कहेंगे। पुनः जन्म, जन्म होगा मेरा, मैं नहीं मानूंगा तो भी होगा। तो ये पूरी जो सृष्टि है, तो छह तत्व जो है और कुदरता कानून भी छह तत्वों से ही result देता है। लॉ ऑफ नेचर भी कैसे काम करता है, विद द हेल्प ऑफ सिक्स एलिमेंट्स, और कुछ नहीं है। एंड दे क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ सफरिंग, ये जो कर्म फल मिलता है तो ये संजोग बनते हैं। दादा भगवान ने कहा साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो कुदरती रचना जिसको बोला, क्या बोला? कुदरती रचना। तो कुदरती रचना का मतलब किसने ये संजोग बनाए? कुदरत ने। हु इज मेकर? नेचर। कुदरत, कुदरत का कानून, एंड नेचर विल क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस। ये तीनों चीज को रिलेटेड है, क्या है? और तीनों चीज के अंदर छह तत्व के अलावा कुछ नहीं है, छह तत्वों के अलावा। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल साइंस, समझ में आया? इसमें गॉड, गुरुज, टेंपल्स, अपनी मंत्र कहो, शास्त्र कहो, रिचुअल्स कहो, डिसाइपल्स कहो, फॉलोअर्स कहो, या इंस्टीट्यूट कहो, वो इसमें, ये सब किस में आता है? फॉर्मेट में। तो जब आध्यात्म विज्ञान की बात करेंगे तो सिंपल बात समझ लेना, कुदरत के कानून के ऊपर आधारित होनी चाहिए और सबके लिए। उसमें आप व्यू पॉइंट नहीं बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं? मैं, मेरे को समझ में नहीं आता, ये बोल सकते हैं, मगर इसका ऑप्शन नहीं होता है, क्या नहीं होता है? आप कहोगे मैं राम को मानता हूँ, ये कहेंगे मैं कृष्ण को मानता हूँ, ये कहेंगे मैं महावीर को मानता हूँ, ये कहेंगे मैं शिव को मानता हूँ, ये कहेंगे मैं स्वामीनारायण को मानता हूँ, ये कहेगा क्राइस्ट को मानता हूँ, बोल सकते हैं यस और नो। मगर लॉ ऑफ नेचर का ऑप्शन क्या है? नहीं होता है, आप मानो या ना मानो, दैट्स इट। मगर ऑप्शन, ये व्यू पॉइंट नहीं है। आप मानते हैं बिकॉज यू आर थिंकर, नहीं मानते बिकॉज यू आर नॉट थिंकर, दैट्स इट। देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन, इसमें राइट रॉन्ग नहीं होता है। नहीं मानते क्योंकि नहीं समझ में आता है आपको, मानते हैं क्योंकि समझ में आता है, दैट्स इट। इसमें व्यू पॉइंट नहीं होता है कि तुम्हारा व्यू पॉइंट अलग, हमारा व्यू पॉइंट अलग, उसका अलग, क्योंकि धर्म नहीं है ना। जब बेस लॉ ऑफ नेचर है तो लॉ ऑफ नेचर दो कहां से लाएंगे, छह तत्व दो कहां से लाएंगे, और कहां से लाएंगे तत्व? इट इज पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो आध्यात्म विज्ञान है वो पूरा, कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई मानव धर्म की बात नहीं है, और
ये विज्ञान है, इसका क्रिएटर और ओनर नहीं है कोई। कौन नहीं है? क्रिएटर, ओनर। न कोई बनाने वाला है, न कोई मालिक है, न कोई इंसान के रूप में इसका ऑपरेटर है। वो स्वयं संचालित है, एज पर द लॉ ऑफ नेचर, स्वयं संचालित, बट नेचुरल, बट नेचुरल। आप समझे ना? ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने कहा ना, ये बट नेचर, हमको ये विज्ञान प्रकट हुआ। कैसे हुआ? बट नेचर, ऐसा ऐसा करने से हुआ, ऐसा नहीं है। वो धर्म में होता है, समाज में होता है, अध्यात्म में नहीं होता, अनकवर हो जाता है, इसमें प्रोसेस नहीं होती है। अज्ञान खत्म होना, बस विज्ञान प्रकट होना है, और कोई चमत्कार नहीं है। इसमें रिचुअल्स नहीं आती है, तो बाद में धीरे धीरे बताऊंगा। तो कहने का मतलब यह है, अध्यात्म के मार्ग में फंडामेंटल बात क्या है? दो बात फंडामेंटल है आगे बढ़ने के लिए। हु एम आई, मैं कौन हूँ, और मेरे अलावा होल यूनिवर्स, हु रन द होल वर्ल्ड और यूनिवर्स। ये दोनों बातें समझना है, मैं कौन हूँ, ये दुनिया कौन चलाता है, दैट्स इट। ये बात को हमको फंडामेंटली समझना है, प्रिंसिपली, नॉट व्यू पॉइंट। इसमें दो बात है, मैं कौन हूं, इसका यूनिवर्सल ट्रूथ है, आई एम अ प्योर सोल। कोई माने या ना माने, मगर सोल है। सोल निकल जाने के बाद बॉडी तो है, इसकी वैल्यू नहीं है, तो सोल है, आत्मा। और आत्मा के अलावा ये शरीर कहो और ये पूरी सृष्टि कहो, सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र भरती ओट तेजी मंदी कर्म और कर्म फल, ये पूरी सृष्टि कहो, या उसको आने दो, ये पूरी सृष्टि कहो, वो क्या है? कुदरत, कुदरत का कानून और कुदरत ने बनाए हुए संजोग, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आत्मा के अलावा बाकी सब क्या है? टोटली क्रिएटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर इज ओनली नेचर, होल वर्ल्ड एक्सेप्ट द सोल। आत्मा के अलावा पूरी सृष्टि जो है, इसका क्रिएटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर वो नेचर है, इंक्लूडिंग अवर फिजिकल बॉडी टू, शरीर भी आ गया इसमें आत्मा के अलावा। अभी अभी आगे जाते हैं, ये जो आत्मा है वो चेतन है। आत्मा के अलावा पांचों तत्व जड़ है, उसमें से मेन तत्व जो जड़ तत्व है आत्मा के साथ जुड़ा हुआ, जो पूरी दुनिया लोग देख रहे हैं, ये जड़ तत्व है और जड़ तत्व की अवस्था है। बाकी के चार तत्व जड़ तत्व की अवस्था को सहायक है, कोरिलेटेड। चेतन और जड़ दोनों मुख्य तत्व है पूरे ब्रह्मांड में। इसमें चेतन रूप एक ही तत्व है आत्मा, और जड़ रूप एक ही तत्व है एलिमेंट्स, और ये सब उसकी अवस्था है, जड़ तत्व की अवस्था, कोई भी कहो। तो ये सब उसकी अवस्था है, और उसकी अवस्था को सहाय करने के लिए चार तत्व है, गतिशय स्थितिशय टाइम एंड स्पेस, कोरिलेटेड। तो इस ये छह तत्व इस प्रकार से काम करते हैं। अभी प्रश्न ये आएगा कि भी आत्मा तत्व को हम बिलीव करते हैं, क्यों करें? हाउ वी कैन प्रूव आई एम अ सोल, मैं आत्मा हूं, ऐसा बिलीव कैसे करूं? बॉडी तो दिखती है मगर आत्मा दिखता है, हाउ आई कैन बिलीव इट कि आई एम सोल सेपरेट देन बॉडी? हाउ?
मैं इसको कैसे मानूं, कैसे उसको स्वीकार करूं कि मैं आत्मा हूं? क्योंकि लोग तो प्रश्न करेंगे, आप कहेंगे और मानेंगे, थिंकर पीपल नहीं मानेंगे आपकी बात. यू आर टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्चर, दे हैव नॉट बिलीव इट, इट इज नॉट साइंस. यू ट्रांसफर द नॉलेज फ्रॉम स्क्रिप्चर टू अस, बट दिस इज नॉट योर एक्सपीरियंस. यू आर ओनली द टीचर. यस और नो? टीचर तो वर्ल्ड के अंदर बहुत है और सभी धर्मों के अंदर है. नाउ द थिंकर पीपल, दे रिक्वायर द साइंटिस्ट. दे रियलाइज बियॉन्ड स्क्रिप्चर. नाउ यू अंडरस्टैंड? एंड इट्स लॉजिक, उसमें लॉजिक होना चाहिए जो बुद्धिशाली आदमी उसको स्वीकार करने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. आप समझे? तो इसको लॉजिक बोलते हैं. लॉजिक के पीछे प्रिंसिपल होता है, मगर प्रिंसिपल को समझने में टाइम लगता है. उसको प्रेजेंट करने के लिए पहले लॉजिक देते हैं, फिर लॉजिक से उसको प्रिंसिपल अनुभव में आता है. आप समझे ना? जैसे पहले ज्ञानी पुरुष सिद्धांत से दृष्टि देते हैं, पूरी दृष्टि को अप्लाई करते करते क्या होता है? अनुभव होता है. अनुभव दे नहीं सकते हैं. इट इज अ मैटर ऑफ योर ओन इंडिविजुअल पुरुषार्थ विथ साइंटिफिक रीजन. आपको यह वैज्ञानिक दृष्टि से प्राप्त करके यही दृष्टि का हर संजोगों में उपयोग करके अनुभव करना है, और कोई प्रक्रिया किसी के लिए नहीं है, सबके लिए एक है. तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस, वो प्रोसेस के अंदर ये जो आत्मा तत्व है उसको हम प्रूव कैसे करें? है ऐसा मानते हैं, धर्मगुरु ने बताया है और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, तो ये कोई नई बात, मगर मानेंगे कैसे? प्रश्न मानने का है. प्रश्न जानते हैं कि नहीं, वो प्रश्न नहीं है. मतलब जानते हैं हम सब कि हम आत्मा है, मगर माने कैसे? हाउ थिंकर पीपल दे कैन बिलीव इट, कैसे उसको स्वीकार करें लॉजिकली? तो सबसे पहली बात ये है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जड़ तत्व है, क्या है? जड़ तत्व के अंदर हैप्पीनेस है नहीं, और इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है. इसकी रिक्वायरमेंट है हैप्पीनेस? उनका भी आयुष्य है, रिक्वायरमेंट है? कोई भी जड़ तत्व का रिक्वायरमेंट होता है कि मेरे को सुख चाहिए? दुनिया के कोई भी, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है, ये एसी है, टीवी है, फ्रिज है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कहता है मेरे को हैप्पीनेस चाहिए? कहता है? नहीं कहता है. क्यों नहीं कहता है? वो जड़ है. और ये क्या है? ये मिश्र चेतन है. तो कंफ्यूज मत हो, आंसर एक दो, गोल गोल जितने भी आंसर है सब दे दो, इसमें सिलेक्ट कर दो, ऐसा. लेकिन उसको समझना है ना. नहीं, ऐसे उत्तर देते हैं कोई, स्पेसिफिक होना चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा. चलो थोड़ा लाइट बात कर दो, थोड़ा आप जब हंसो ऐसा. एक ओवर स्मार्ट स्टूडेंट था, ओवर स्मार्ट स्टूडेंट. पांचवी कक्षा में वो बच्चा पढ़ता था, फिफ्थ स्टैंडर्ड. तो उनकी एग्जाम थी फाइनल, तो पिताजी उसको छोड़ने के लिए गए गाड़ी में, और बच्चे को छोड़ दिया, वो स्कूल में चला गया. पिताजी ने लगा चलो मेरा अभी तो घर पे जाके कोई जल्दी काम नहीं है, आधा घंटे बाद भी जाऊँगा तो क्या फर्क होगा. तो गाड़ी पार्क करके वो चाय वाय पीने के लिए वहाँ दुकान में बैठे, चाय मंगाई, चाय पी रहे थे. 5 मिनट में वो बच्चा वापिस आ गया स्कूल में से, और बच्चा ने कहा कि बस मेरा फिनिश हो गया एग्जाम मेरी. तो पिताजी ने कहा तुम्हारे 3 घंटे की एग्जाम थी, 5 मिनट में फिनिश, अभी तो पार्क करके मैं चाय पी रहा हूँ तो वापिस आ गए. तो बोला हाँ फिनिश हो गई.
बोला तुमने पूरा पेपर लिखा नहीं लिखा, पूरा पेपर लिख दिया। बोलो 3 घंटे का पेपर आपने 5 मिनट में लिख दिया। बोला हाँ 5 मिनट में लिख दिया। तो उनको पिताजी के समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, न कभी मैंने सोचा है न कभी सुना है। इट इज अ कहे ना, इसको इम्पॉसिबल कहेंगे ना। तो पिताजी को समझ में नहीं आया कि मैं उसको हाथ करूँ ना करूँ क्या करूँ। और बच्चा कॉन्फिडेंट था, क्या था ऐसा नहीं कि वो डर रहा था। हाँ बोला खत्म हो गया सब कुछ। तो पिताजी ने प्रश्न किया कि क्या आपने किस तरह एक 5 मिनट के अंदर पूरा 3 घंटे का पेपर लिख दिया, अब एक्सप्लेन करो इसको कैसे लिखा आपने, क्या लिखा है। तो बोला मैंने आंसर पेपर में लिख दिया, डियर टीचर आपके 1 से 15 प्रश्नों का उत्तर किताबों में लिखा हुआ है, पढ़ लेना, डोंट वेस्ट माय टाइम एंड योर। नहीं समझ में आया, और आंसर तो है गलत है भी नहीं बच्चा। नहीं समझ में आया भी, टीचर को मालूम नहीं है मेरे को पास करूं या फेल करूं। इसको कहते हैं ओवर स्मार्ट। क्या बोलते हैं, तो कहने का मतलब ये है, मेरी आदत है कि सबको मैं हंसाता हूँ ताकि एनवायरनमेंट लाइट हो जाए, ऐसा नहीं कि हैवी हो जाए, तनाव आ जाए, ये मार्ग नहीं है। हंसी खुशी से बिल्कुल नॉर्मल रहो और समझने की कोशिश करो, एकदम टेंस तनाव करके ये विज्ञान को समझने की जरूरत नहीं है। बी ओपन, ओके, एंड बी नॉर्मल, एकदम प्रेशर ला के समझने की जरूरत नहीं है। इतना जरूर ध्यान रखो क्या अन्य शक्ति वाला आत्मा अंदर बैठा है, और इससे ज्यादा शक्ति ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। तो कोई जगह डरने की या कमजोर है ऐसा समझने की आवश्यकता नहीं है। है अनुभव नहीं है वो बराबर है, मगर कमजोर नहीं है। एक न एक दिन इसी का हमको अनुभव करना है, जो है नहीं है इसका नहीं करना है। तो इसीलिए हम खुद को मेंटली डिप्रेस होने की या डिग्रेड होने की जरूरत नहीं है। अनुभव नहीं होगा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल होगा परसों होगा, मगर मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और सर्व प्रकार की अनंत शक्तियाँ मेरे पास है, उसमें तो कोई कमी नहीं है। सिर्फ कमी तो है अनुभव की, वो पाने का नहीं है, अनुभव करने का है, जो है उसका, आप समझे ना। इसीलिए प्राप्ति की बात नहीं है, यह दृष्टि की बात है। जो है उसका अनुभव करना है, जो नहीं है उसका नहीं करना है। तो अपने आप को कमजोर मत समझो। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आत्मा की बात करें कि आत्मा का प्रूफ क्या है। तो हमारी बात कहाँ अटकी थी, जड़ के चेतन, ये भी जड़ है। दुनिया की हर चीज जड़ है, जो 5 इंद्रियों में से अनुभव में आती है सब जड़ है, चेतन नहीं है। उसमें जहाँ जीव है वो चेतन है, अंदर है, मगर बाहर दिखता है वो तो जड़ है। ये पौड़ पेड़ पौधे सब कुछ दिखता है, इंसान एनिमल सब कुछ जड़ है, मगर जहाँ जीव है इसके अंदर चेतन है, मगर दिखता है वो तो जड़ ही है। ये भी दिखता है वो भी क्या है, और जड़ को ही जलाया जाता है, चेतन को जलाया और मिश्र चेतन को भी जलाया नहीं जाता है, ओनली जड़ को जलाया जाता है। एनीवे, तो ये जड़ है मगर इसके अंदर चेतन है जिसका स्वभाव अनंत सुख वाला है, जिसका स्वभाव है क्या है, मगर ये सुख का अनुभव करने के लिए क्योंकि अज्ञान है क्या है, और इसीलिए इंद्रिय ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान से हम सुख की अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, और इसीलिए बहिर्मुखी हो गए। क्या हो गए, सुख है अंदर, मुख कहाँ है तो ढूंढेंगे कहाँ, विद द हेल्प ऑफ 5 senses एंड अवर बुद्धि, देयर इज नो एनी अदर वे, राइट। अपनी बुद्धि और इंद्रियों से ही अनुभव करने का प्रयास करेंगे, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। मगर आत्मा में सुख है
उसका अज्ञान है और इसीलिए बाहर ढूंढ रहे हैं। यहाँ आत्मा है नहीं तो सुख नहीं है तो ढूंढने का भी प्रश्न, यहाँ भी आत्मा नहीं है इसमें भी आत्मा नहीं है तो वो भी अंदर सुख नहीं है ढूंढता भी नहीं है। तो सबसे पहला प्रूफ, इंसान सुख ढूंढता है क्योंकि अंदर आत्मा सुख वाला है, मगर अज्ञान होने के नाते वो बाहर ढूंढता है, मगर आत्मा ही नहीं है तो ढूंढने की जरूरत है नहीं। आत्मा नहीं है अज्ञान भी नहीं है, आत्मा नहीं है तो अज्ञान भी नहीं है, सिर्फ जड़ है तो जड़ को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जहां जीव है वहां शिव है, जहां जीव है वहां शिव है, शिव का मतलब आत्मा, जहां प्रकृति है वहां परमात्मा है, आप समझे, और जहां जड़ है वहां चेतन है, तभी इसको जीव कहते हैं। समझ में आया? तो कहने का मतलब कोई भी जीव बिना चेतन नहीं हो सकता, अनुभव नहीं होती अलग बात है, मगर बिना चेतन हम इसको जीव नहीं कहेंगे, जड़ कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति के अंदर चेतन निकल गया तो इसको जलाते हैं क्योंकि चेतन, अगर किसी के अंदर चेतन है जलाओगे तो उसको क्राइम कहते हैं, यस और नो? मगर जैसे आत्मा निकल गया इसको जला दिया गया तो कुदरत के कानून में भी क्राइम नहीं है और यहाँ के कानून में भी क्राइम नहीं है, राइट और रॉन्ग? तो जड़ को जला सकते हैं। तो ये दिखने वाली बॉडी क्या है? बेसिकली जड़ है। इसके अंदर अज्ञान रूपी मिश्र चेतन है और इसके पीछे शाश्वत ज्ञान रूपी आत्मा है। बॉडी मिश्र चेतन एंड प्योर सेल, मैकेनिकल चेतन मिश्र चेतन एंड शुद्ध चेतन, तीन, मैकेनिकल चेतन मिश्र चेतन और शुद्ध चेतन, प्रकृति प्रतिष्ठित आत्मा और मूल आत्मा, तीनों एक ही बात है, अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है आत्मा की हाजिरी का प्रूफ, आत्मा नहीं है तो कर्म हो सकते हैं, हो सकता है नहीं, आत्मा नहीं है तो कर्म की भुगतान हो सकती है नहीं, कर्म बन भी नहीं सकते हैं और भुगतान भी, आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म हो सकता है नहीं, नहीं हो सकता, बिना आत्मा मन वचन काया एक्टिव हो सकता है नहीं, मिश्र चेतन क्या बताओ, बताओ मैं आपको, और आत्मा नहीं है तो मुक्ति हो सकती है, किसकी मुक्ति? इसको तो जलाते हैं हर अवतार में जलाते, तो मुक्ति किसके? आत्मा ही मुक्त है ना? तो इसीलिए आत्मा स्वीकार करना पड़ेगा ना, अभी प्रूफ देना चाहता हूं कि आपको बोलना पड़ेगा कि आत्मा है आत्मा है आत्मा है, लोग कहते हैं प्रूफ दो, अभी आप ही कहते हैं कि आत्मा है आत्मा है, तो आपको आंसर मिल गया है ना, कोई व्यक्ति मेरे को प्रश्न करेगा कि अभी आत्मा है का प्रूफ दे दो, तो मैं ऐसा कहूंगा वो कहेगा आत्मा है, फिर मैं आगे कहूंगा आत्मा है तो वो ही बोलेगा, मेरे को नहीं बोलना पड़ेगा, मेरे को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि पुनर्जन्म क्यों है, बोला आत्मा है, कर्म क्यों बनते हैं, बोला आत्मा है, तो उसको बोलना पड़ेगा तो उसको उत्तर मिलेगा, उनका जो प्रश्न उसका उत्तर मिलेगा जब मैं प्रश्न करूंगा, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, मैं कहूंगा सुख है क्योंकि आत्मा है, अगर आत्मा नहीं है तो सुख की अनुभूति कौन करेगा, पुनर्जन्म है क्योंकि शरीर का तो पुनर्जन्म होता नहीं है, भाई मोक्ष है क्योंकि आत्मा है, शरीर का तो मोक्ष होता नहीं है, शरीर की तो राख बन जाती है, आत्मा है तो भी मोक्ष है ना, शरीर का मोक्ष होता है इसकी तो राख बन जाती है। तो ये और लास्ट आंसर आत्मा के प्रूफ का, जो मैंने 5-6 साल पहले साइंटिस्ट को दिया था, प्रूफ ऑफ सोल, प्रूफ ऑफ सोल, कि जैसे हम
दिन के अंदर उजाले में पूरी दुनिया को देखते हैं, तो हमारी आंखें हैं, ठीक है, और सामने दृश्य है, मगर दृश्य और दृश्य को देखने वाला इन बिटवीन अगर लाइट नहीं होती है तो मतलब दृश्य को देखने वाले को दृश्य देखने के लिए इन बिटवीन क्या चाहिए? इट्स अ प्रिंसिपल, यस और नो? इट्स नॉट अ व्यू पॉइंट, करेक्ट और नॉट? ये सिद्धांत हो गए। तो दिन में हम पूरी दुनिया को देखते हैं बिकॉज ऑफ सनलाइट, रात को हम देखते हैं घरों के अंदर या बाजार के अंदर वो आर्टिफिशियल या मैन मेड लाइट, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, रात को सोने के बाद जब सो जाते हैं तो सपना देखते हैं कौन से प्रकाश में? आत्मा के प्रकाश में। इज देयर एनी लाइट? नो, ये प्रूफ हुआ ना, मैं रिप्लाई दे रहा हूँ प्रूफ ऑफ सोल, और आपको हर क्वेश्चन में उत्तर देना पड़ेगा सोल सोल सोल, यस और नो? तो आत्मा का तो प्रूफ हो गया, इतने सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे हैं, अभी जरूरत नहीं है। तो अभी बॉडी की बात करूंगा, फिर बॉडी क्या है? हमने कहा आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो तो कुदरती रचना है, तो ये बॉडी क्या है, क्या है इनका रोल, क्या है, क्यों हमको मिली? हम तो आत्मा है, हमको ये बॉडी क्यों मिली, इसका रोल क्या है, कौन इसका ऑपरेटर है, कौन इसका क्रिएटर है, कौन इसका डिस्ट्रॉयर है? तो कुदरत कहते हैं ये बॉडी की जो डिजाइन है, मशीन की डिजाइन, ये मैंने बनाई है। हम कहेगा आप कैसे बनाए, मेरी माता ने मेरे को जन्म दिया है, और आप कहते हैं आपने जन्म बनाई है। तो बोला मदर इज अ ओनली इंस्ट्रूमेंट फॉर अ बर्थ, बट दिस इज माई डिजाइन। आप पूरे वर्ल्ड में जाओ एक ही डिजाइन है, यस और नो? तभी डॉक्टर काम करेंगे, नहीं तो मगन भाई के लिए अलग और छगन भाई के लिए अलग चाहिए, डिजाइन अलग होती तो, यस और नो? यहाँ के डॉक्टर अमेरिका भी काम आएंगे, अमेरिका के यहाँ भी काम आएंगे, क्योंकि डिजाइन सिस्टम एक ही है, तभी तो काम आता है ना। सो द डिजाइन मेड बाय नेचर फॉर ऑल, यस और नो? नाउ द सेकंड, हु क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी? डिजाइन तो बन गई, मैप, स्ट्रक्चर कौन बनाएगा? नेचर। ये स्ट्रक्चर जो बना है फिजिकल स्ट्रक्चर, डिजाइन बन गई पेपर के ऊपर डिजाइन, इस प्रकार की बॉडी और इस प्रकार के काम होगा, ठीक है। अभी ये जो स्ट्रक्चर बनाएंगे फिजिकल, उस फिजिकल स्ट्रक्चर पहले कौन से तत्वों से बना है? कौन से तत्वों से बना है? पंच महाभूत से बना है, पृथ्वी पानी वायु अग्नि और ये पांच महाभूत से बना है। ये किसका है डिजाइन? किसकी स्ट्रक्चर का रॉ मटेरियल किसका? अभी स्ट्रक्चर तो बना दिया, अभी इसको लाइव तो रखना पड़ेगा ना, लाइव रखना पड़ेगा ना, जिसकी उसकी आयु होगी वहां तक, उसके लिए हवा पानी खुराक चाहिए, यह सब वो कौन देगा? वो भी कुदरत देगा, यस और नो? अच्छा अभी बॉडी को हवा पानी खुराक मिल रहा है, ये बॉडी तो लाइव हो गई, और उनके 50, 60, 70, 80, 90 साल की जो आयुष होगी वहां तक जीवित रहेगी, हवा पानी खुराक नेचर देगी, ठीक है। मगर नेचर ने ये बॉडी क्यों दिया? क्योंकि हम तो सोल है, हमको क्यों दिया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? कुदरत के भुगतान है, कुदरत के भुगतान, कुदरत के कर्मों के, कर्मों के भुगतान, कोई बात नहीं, कुदरत के वो हिसाब से कुदरत कर्मों के भुगतान के लिए दिया, ठीक है। ये बॉडी ने तो कर्म नहीं किया था, ठीक है, करेक्ट ना? पिछले अवतार की बॉडी की हाजिरी में, सोल की हाजिरी में कर्म हुआ था, ये बॉडी वही कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, करेक्ट। सो एक्चुअली दिस बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रीवियस बर्थ, यस और नो? यस, ओके। बट नेचर विल गिव यू द इंस्ट्रूमेंट बिकॉज आपका जैसा कर्म है उसी प्रकार से आपको इंस्ट्रूमेंट नेचर डिसाइड करती है
क्या आपका ह्यूमन का चाहिए, एनिमल का चाहिए, गॉड एंड गॉडेसेस का चाहिए या नर गति का चाहिए, जेंट्स का चाहिए या लेडीज का चाहिए, वो डिसाइडेड कैसे डिसाइड करेगा? कर्म के हिसाब से. बट डिसाइड करेगा नेचर. फिर पांच तत्व देंगे भी नेचर. ठीक है, तो कुदरत ने कहा हमने आपको ये बॉडी दिया है, जो आपने कर्म किया है इसकी भुगतान के लिए दिया है. देन हु क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ सफरिंग? बोलिए, हु क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ सफरिंग फ्रॉम बर्थ टू डेथ? कौन करेगा? कुदरत ही करेगा. लास्ट में ब्रीथ बंद कौन करेगा? कुदरत. फ्रॉम बर्थ टू डेथ हमारा कंट्रोल कहाँ है? कुदरत के हाथ में. हमारा कंट्रोल कहाँ है? नहीं है, हमारा कंट्रोल नहीं है. फिर भी हम कहेंगे कि मन वचन क्या से जो क्रिया होती है वो हमारा पुरुषार्थ है? नहीं, हमारा पुरुषार्थ नहीं है. When you go through the principle, if you tell me yes or no, this is not religion. This is science. Yes or no? जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होगा इसके कोई भी हिस्सा पुरुषार्थ हो सकता है? नहीं. कितना देर लगाते हो? नहीं, अगले लाइफ का तो कर्म बनाना है ना, वो बनता है तो उसमें कुछ तो अपना है उसके अंदर, इसलिए सोच रहा था. ये बॉडी किसने दिया? कुदरत. किसके लिए दिया? कर्म फल के. कौन से कर्म? प्रीवियस लाइफ. फिर नेक्स्ट बर्थ का कहाँ आया? Yeah, if you go through the definition, you are right to ask me a question, but go through the definition. Body ही दिया किसके लिए? कर्म के भुगतान के लिए. Correct. ये पिछले अवतार के. ठीक है. Correct. तो उसमें हमारे पास फ्रीडम कहाँ है पुरुषार्थ करने की, ये चलाने की फ्रीडम हमारे पास है? नहीं. चाहे मन कहो, चाहे वचन कहो, चाहे काया कहो, फ्रीडम है? नहीं. तो फ्रीडम नहीं है तो कोई भी क्रिया करेंगे तो उसको पुरुषार्थ बोल सकते? प्रिंसिपली. श्रद्धा की बात छोड़ दो, धार्मिक बात छोड़ दो, प्रिंसिपली एज अ साइंटिफिक व्यू हम इसको कोई भी पार्ट को पुरुषार्थ बोल सकते हैं? नहीं. और पुरुषार्थ मानना इसको विज्ञान कहेंगे या श्रद्धा कहेंगे? साइंस समझना और श्रद्धा को मानना दोनों साथ में नहीं हो सकेगा. इट इज नॉट पैरेलल, इट्स डिफरेंट. यस और नो? तो दोनों चीज है, आत्मा की बात कही, ये शरीर की बात कही. अभी मैं बात करता हूं प्रतिष्ठित आत्मा की ताकि बात कंप्लीट हो जाए. ठीक है. प्रतिष्ठित आत्मा क्या है? प्रतिष्ठित आत्मा ये आपका अस्तित्व का प्रमाण है. अभी मैं हूं क्या है? इट शुड बी कॉल्ड ए लाइव ईगो, जीवंत अहंकार. कौन सा अहंकार? लाइव. आई एम. ठीक है, मैं हूं, मगर मैं क्या हूं वो मेरे नॉलेज के ऊपर आधारित, मगर मैं हूं वो तो सबको है कि नहीं? सबको है. आई एम, मगर मैं क्या हूं वो नहीं मालूम. सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है. तो मैं हूं वो लाइव ईगो है. वो लाइव ईगो कौन से अज्ञान से जुड़ा है? अज्ञान से. इस प्रकार से वो राग द्वेष करके कर्म बनाते हैं. उनका काम क्या है? टू क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द, और कोई रोल ही नहीं है. प्रतिष्ठित आत्मा का रोल और क्या हो सकता है? कर्मों के भुगतान के लिए तो यह है. आत्मा तो समर्थ संपूर्ण स्वतंत्र है, चेतन है. तो प्रतिष्ठित आत्मा का रोल एक ही है, कर्मों को चार्ज करना, या तो विज्ञान को उपयोग करके देह और आत्मा को अलग रखना. दो रोल है, या तो कर्मों को बनाना या तो सेपरेशन. टू ऑप्शन विद प्रतिष्ठित लाइव प्रतिष्ठित आत्मा. और कोई इसका रोल? शरीर का रोल क्या है? कर्मों के भुगतान का साधन. ओनली, सबके पीछे लगाऊंगा ओनली, डोंट क्रिएट द कंफ्यूजन.
मन वचन काया का रोल ओनली टू सफरिंग ऑफ योर प्रीवियस बैड कॉज, प्रतिष्ठा आत्मा का रोल ओनली टू क्रिएट द न्यू कॉज और सेपरेशन इफ यू हैव अ राइट विजन। एंड सोल का रोल क्या है? नो क्रिएशन, नो सफर, ओनली परमानेंट लाइव एग्जिस्टेंस, परमानेंट लाइव एग्जिस्टेंस, देयर इज नो अदर रोल। तो तीनों का रोल क्या है? अलग अलग है। इसको स्पिरिचुअल साइंस बोलते हैं। भौतिक विज्ञान में ये बातें नहीं आएगी, ये आध्यात्म विज्ञान में ही आएगी। भौतिक विज्ञान में ये बातें नहीं आएगी, तो इसीलिए स्पिरिचुअल साइंस के अंदर ये बातें हैं। तो जो प्रतिष्ठित आत्मा है, वो प्रतिष्ठित आत्मा की फोर फेसेस है, चार प्रकार का फेस है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, फोर फेसेस ऑफ प्रतिष्ठित आत्मा। भी फोर फेसेस क्यों है उसको भी? क्योंकि कर्मचार्ज करने के लिए प्रोसेस चाहिए। क्या चाहिए? हाउ दे क्रिएट द कॉज, बिकॉज द एवरीवन दे सी द सेम सिचुएशन, दे फेस द सेम सिचुएशन, बट द इनर प्रोसेस इज डिफरेंट ऑफ ऑल द पर्सन। व्यक्तियों की अंदर की प्रक्रिया क्या है? दृश्य एक ही देखते हैं, अंदर की प्रक्रिया सबकी क्या होती है? अलग अलग होती है, बिकॉज ऑफ विजन, थिंकिंग, जो बुद्धि का हो, जो भी कहो, इसके आधार से इनर प्रोसेस सबकी अलग अलग होती है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इज अ प्रोसेसिंग फैक्ट्री ऑफ अ न्यू कॉज, नए कर्मों को चार्ज करने की प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। मन विचार करता है ये काम का है कि नहीं है, बुद्धि विचार करता है प्रॉफिट वाला है कि लॉस वाला है, चित पिक्चर बताता है कि इससे क्या होगा क्या नहीं, ऐसा मेरे को दिखता है, और अहंकार साइन करेगा कि ये सही है या तो ये गलत है। ये प्रोसेस, सो द लाइव अंतस्करण, द सेकंड नेम इज अ लाइव प्रतिष्ठित आत्मा। लाइव अंतस्करण इज अ प्रोसेसिंग फैक्ट्री ऑफ अ न्यू कॉज, ये प्रोसेस होके स्पीच और एक्शन का बीज बनता है। यहाँ प्रोसेस में प्रोड्यूसर प्रोडक्शन क्या होता है? स्पीच एंड एक्शन का बीज, ये प्रोसेस। प्रोसेस का प्रोडक्शन क्या हुआ? स्पीच एंड एक्शन का बीज। नेक्स्ट बर्थ में ये छह चीज रिजल्ट के फॉर्म में आएगी, स्पीच और एक्शन बाहर रहेगी और अंतस्करण जो डिस्चार्ज है वो कहाँ रहेगा? अंदर। डिस्चार्ज अंतस्करण अंदर रहेगा और डिस्चार्ज बाह्यकरण स्पीच और एक्शन के फॉर्म में बाहर रहेगा। और टोटल जो डिस्चार्ज पार्ट है, इसमें जो इनर अंतस्करण है वो एज इट इज प्ले करेगा एज पर द चार्ज एंड डिस्चार्ज, और आउटसाइड जो स्पीच एंड एक्शन है वो डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस क्रिएटेड बाय द लॉ ऑफ नेचर, उसके मुताबिक तो बोलेगा एंड काम करेगा। अंदर जो फीलिंग है वो उसकी है। समझ में आया? अंदर की फीलिंग उसकी है, अनुभूति, संजोग बाहर है, वो कुदरत देते हैं। कुदरत एक दो व्यक्ति को एक ही सर्कमस्टेंस देंगे ना, फिर भी फीलिंग अलग रहेगी, क्योंकि इनर मैटर है ना। संजोग एक ही है, एक गरीब है, मैंने इसको पांच रुपया दिया, वो खुश हो जाएंगे, यस और नो? और एक व्यक्ति BMW में से उतरा है, मैं उसको पांच रुपया दूंगा, इंसल्ट लगेगा, बिकॉज ऑफ मनी और बिकॉज ऑफ बिलीफ। आउटर प्रोसेस इज द सेम बट द इनर प्रोसेस इज बिकॉज ऑफ इट्स कॉज दे फील हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ, नॉट बिकॉज ऑफ आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस, यस और नो? समझ में आया? तो इस प्रकार से आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा एंड प्रकृति ये बिहेव करता है। दिस इज द साइंस, नेचर, लॉ ऑफ नेचर, एंड नेचर विल क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस। और साइंस जानने के लिए हु एम आई एंड हु क्रिएट हु रन द होल वर्ल्ड, ये मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, ठीक है, साइंटिफिकली। Now anyone have a question, please ask me. अभी कोई प्रश्न कर सकते हैं स्वामी जी? यस, थोड़ा लाउडली बोलना ताकि रिकॉर्ड हो। सॉरी,
जोर से बोलो जो रिकॉर्ड था आवाज बढ़ाइए ये प्रतिष्ठित आत्मा या मिश्र चेतन आत्मा उसको ही जीव बोला जाता है बताओ क्योंकि जीव और आत्मा मेरे हिसाब से अलग है बताओ आपको प्रतिष्ठित आत्मा का चार लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का चार नाम है इसको लाइव ईगो बोलते हैं लाइव प्रतिष्ठित आत्मा बोलते हैं मिश्र चेतन जी बोलते हैं और उसको दादा भगवान ने बाबू भी बाबा कहा है बाबू समझते हैं ये चार नाम है एक ही व्यक्ति का चार नाम है दैट्स इट और आपने जीव की बात कही ठीक है हाँ जीव जीव किसको कहते हैं जन्मते हैं जीते हैं और मरते हैं इसको जीव कहते हैं इसको जीव कहेंगे मगर इसके साथ डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा जुड़ा हुआ है वो जीव नहीं है वो जीव नेक्स्ट बर्थ में कहेगा अभी क्रिएटर है जब डिस्चार्ज होगा तो इसको जीव कहेगा क्यों क्योंकि पैदा हुआ लाइफ जीवन जिया और मर गया जीव का मतलब होता है जन्म लेना जीवन के भुगतान करना और मृत्यु इसका एक नाम है जीव और जो जन्मता नहीं है मरता नहीं है वो है शिव और जीव और शिव के बीच है लाइव प्रतिष्ठित आत्मा इज अ क्रिएटर वो जीव भी नहीं है और शिव भी नहीं है समझ में आया है वो क्रिएटर है कर्मों का उपार्जन करने वाला तो सबका अपना अपना रोल है तो इसको साइंस कहते हैं गोल गोल बात करना वो धर्म है क्या है जिसमें प्रिंसिपल नहीं होता है श्रद्धा होती है वो धर्म है जिसमें टैली नहीं कर सकते हैं यू हैव टू बिलीव भाई गुरु ने कहा है शास्त्रों में लिखा है यू हैव टू बिलीव एंड फॉलो देयर इज नो एनी लॉजिक यस और नो धर्म में ऐसा ही होगा ना आपको मानना है बस कोई प्रूफ नहीं होता है होता है दूसरा प्रश्न है आप प्रार्थना कराते और ऐसा प्रार्थना में बता दे हे अंतर्यामी परमात्मा आप सर्व जीव मात्र में हो उसमें दूसरे पेरे में ऐसे भी लिखा है आप और हम यानी अभेद भाव से हाँ तन्मय कर रहे हाँ तो वो जो परम विनय जो शब्द है यानी कुदरत यानी प्रकृति और परमात्मा तो ये दोनों को एक कैसा करना है वो जो सेंटेंस है इसमें और इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है वो जरा समझेगी समझाओ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं समझने की जरूरत है सब प्रिंसिपल के ऊपर है अध्यात्म के मार्ग की बिगिनिंग भेद विज्ञान से होती है अध्यात्म विज्ञान की बिगिनिंग भेद विज्ञान से प्रकृति और परमात्मा को अलग समझना फंडामेंटली वहां से अध्यात्म मार्ग की बिगिनिंग होती है और जब मैं आत्मा में तन्मयाकार अभेद हो गया वो एंड हो गया फिर पुरुषार्थ खत्म हो गया बिगिनिंग कहां से होगी मैं और आत्मा अलग हूं प्रकृति अलग है परमात्मा अलग प्रकृति अलग परमात्मा वो बिगिनिंग हुई इसको कहते भेद विज्ञान और अभेद हो गए पुरुषार्थ बंद हो गया क्या हो गया बस अच्छा। तो मोक्ष है भेदभाव निकल जाए और अभेद एंड में केवल ज्ञान फिर पुरुषार्थ नहीं होता है या सब यानी सबकी निर्जय हो जाएंगे बस वो अभेदभाव अभेदभाव फिर उसमें कोई पुरुषार्थ ही नहीं है सिर्फ खुद को खुद की परमानेंट अनुभूति बस आपका प्रश्न मैं समझ गया आपका प्रश्न ये है कि हमारे डेवलपमेंट के ऊपर पुरुषार्थ आधारित है दैट्स योर क्वेश्चन राइट बात सही भी है मगर संपूर्ण नहीं है इज अ पार्ट ऑफ है क्या है आपके डेवलपमेंट के आधार से आप बात को समझ सकते हैं और आपका डेवलपमेंट बढ़ा भी सकते हैं नहीं तो कोई मोक्ष में नहीं जाएगा वही का वही रहेगा यू अंडरस्टैंड आपके पास जो डेवलपमेंट लेके आए प्रीवियस बर्थ में इसका तो आप उपयोग कर ही सकते हो इन अ रेंज ऑफ इसमें आप आपका डेवलपमेंट बढ़ा भी सकते हो विद टुडे एक्सपीरियंस
लेकिन वो संयोग जैसा मिले तो ही हम बना सकते हैं। संयोग नहीं चाहिए, ज्ञान दर्शन चाहिए। हाँ, नहीं वही ना, कोई तो ऐसा मिले तो ही हम बना लेंगे। वो बोल सकते हैं, तो वो तो आप पुण्य लेके आएंगे आपके हिसाब, नहीं कुदरत के हिसाब से, नहीं कर्म के हिसाब से बोलो। कुदरत देने, कुदरत तो निमित है, कर्म आपका है। कुदरत निमित बनती है मगर कर्म किसका है? आपका है। आपके कर्म होंगे तो कुदरत अवश्य देगी। वो तो पोस्टमैन है, दे डिलीवर्ड योर पोस्ट, दे आर नॉट ओनर, वो मालिक। द नेचर इज इज अ पोस्टमैन, दे डिलीवर योर कर्म, पाप और पुण्य, इज नॉट कंट्रोलर। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो लेके आए उसके आधार से आपको बात ऑन अ फर्स्ट विजन समझ में आती है, फिर वो डेवलपमेंट को अनुभव करके आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं इन दिस लाइफ एंड एनी लाइफ, एनी ह्यूमन लाइफ कर सकते हैं, नहीं तो फिर कोई आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हर बातों को सिद्धांत से समझोगे तभी मालूम होगा। तो कई बातें हमने सुनी है या पढ़ी है मगर उसका साइंस जब नहीं मालूम होता है तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, समझे? तो इसीलिए हर बात को टोटली समझने की कोशिश करो, फंडामेंटली एंड टोटली, आप समझे, तभी आपको समझ में आएगा कि अभी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जितना डेवलपमेंट है उसी के मुताबिक आप ऑन फर्स्ट व्यू समझ जाओगे कोई भी सब्जेक्ट के। इसके बाद आप आपके इनर पुरुषार्थ से, आपके ज्ञान दर्शन से आपका डेवलपमेंट बढ़ा भी सकते हो, तभी तो आगे बढ़ेगा ना। नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर कोई आगे बढ़ेगा ही नहीं। अंडरस्टैंड? ओके स्वामी जी, आप यानी अध्यात्म में अब एमफिल पीएचडी उससे भी यानी आगे आप परिपूर्ण है, संपूर्ण है आप। तो शुरू में आप जो प्रार्थना कराते हैं या जो पद ये जो बुलवाते हैं वो जरूरी है? अभी उतर दूं? हाँ, यही यानी आप प्रश्न समझ गए रहेंगे। पहली बात यह है कि मैं संपूर्ण नहीं हूँ और संपूर्ण होने में अभी बहुत कुछ बाकी है। कितना बाकी है नहीं मालूम मगर नहीं हूँ इतना तो मालूम है, तो संपूर्ण नहीं हूँ पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं प्रार्थना बुलाता हूँ, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि मन वचन काया की अवस्था मात्र, नहीं समझ गया? समझ गया, उत्तर मिल गया। जब तक रहेगा तब तक आप बनाए, जो भी लेके आया वो तो निकलेगा। Again, not related to आध्यात्म and धर्म, जरूरत नहीं है, बहुत डिफरेंट। किसी को सोचना है तो सोच सकते हैं मगर मैं कहता हूँ उदय कर्म है। विजन इज डिफरेंट एंड द उदय इज डिफरेंट। उदय इज डिसाइडेड एंड विजन इज माय पुरुषार्थ। परिणाम अलग है, पुरुषार्थ अलग है, दोनों अलग है। किसी को मानना है तो मान सकते हैं, वो उनका व्यू पॉइंट है मगर फंडामेंटली क्या है। देखो विज्ञान में प्रिंसिपल समय समय पे चेंज नहीं होते और इसको विज्ञान कहते भी सनातन सत्य है, दैट्स इट। पर आप विज्ञान संबंधा है फिर रिलेटिव सत्य भी संबंधा है, देन यू क्रिएट द कन्फ्यूजन इन योर माइंड। दोनों साथ में मत लो। प्रिंसिपल मीन प्रिंसिपल, जो कुछ भी होता है वो उदय कर्म है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये भी उदय कर्म है, ये मेरा पुरुषार्थ नहीं है। विजन मेरा पुरुषार्थ है, स्पीच मेरा पुरुषार्थ नहीं है, आप समझे। तो हर बातों को प्रिंसिपली समझना है, राउंड राउंड नहीं। अगर गोल गोल समझोगे दे क्रिएट द कंफ्यूजन। सिद्धांत का मतलब सिद्धांत, मन वचन का है कि अवस्था मात्र कुदरती रत्न है। फिर ये है कुदरती रत्न का मतलब परिणाम है, ये पुरुषार्थ है। डोंट क्रिएट द कंफ्यूजन, उसमें दो पार्ट बनाओ ही मत। इट्स अ प्रिंसिपल एंड फॉर ऑल, फॉर ऑल। समझ में आया? तभी आपको विज्ञान समझ में आएगा, नहीं तो फिर श्रद्धा की बात आ जाएगी। फिर विज्ञान ही समझ है। पुरुषार्थ स्वतंत्र नहीं बोल सकते ना, क्योंकि पुरुषार्थ को आधार तो चाहिए होता है, तो वो स्वतंत्र कैसे बोल सकते कि पुरुषार्थ अपना स्वतंत्र तो नहीं बोल सकते ना। तो क्या पहले से लेके, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आधार से ही हम आगे बढ़ सकते। नहीं, पुरुषार्थ अगर स्वतंत्र नहीं बोले तो क्या बोले?
नहीं कुछ आधार लगता है ना उसको, उसको परतंत्र बोलेंगे? नहीं परतंत्र नहीं, परतंत्र नहीं बोलेंगे तो क्या, कुछ तो बोलना पड़ेगा। लेकिन आधार तो यहाँ भी नहीं जाना, यहाँ भी नहीं जाना, दो ऑप्शन है, या तो परतंत्र है या यहाँ भी नहीं, ऐसा आंसर होता है कभी? यानी आपको मालूम है कि आई एम कंफ्यूज, इसीलिए इसीलिए मैंने कहा कि जितना डेवलपमेंट होगा उस लेवल तक आप पुरुषार्थ कर सकते हो। रेंज में, रेंज समझते हैं, जीरो से दस की आपकी रेंज है, तो वहां तक अप्स एंड डाउन का पुरुषार्थ कर सकते हो, नॉट बियॉन्ड। मगर उसमें तो आप फ्रीडम है, एक से दस तक में फ्रीडम आपके पास है। जैसे एक व्यक्ति बच्चे ने ट्वेल्थ पास किया है, ठीक है, तो वो बच्चे के पास एक से बारह स्टैंडर्ड का ज्ञान तो है, तो कोई भी प्रश्न करोगे तो उसका उत्तर वो देंगे, बिकॉज उसकी रेंज है। मगर आप कॉलेज के फर्स्ट स्टैंडर्ड के प्रश्न करोगे तो, मगर वहाँ तक तो रेंज है ना उसको फ्रीडम में, उसके ऊपर सेम यहाँ प्रिंसिपल है। तो फ्रीडम है भी और नहीं भी है, इसे डिपेंड डिपेंड ऑन योर इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो हर बात तो कुछ सिद्धांत से समझो, क्या बताया, और इसलिए मैंने कहा विज्ञान समझने के लिए जो हमारी मिसिंग लिंक है वो करेक्ट कर लो। साइंस कभी नया नहीं होता है, लाखों साल से यही है और यही रहेगा। प्रश्न हमारी दृष्टि में है, कहाँ है, एक्शन में नहीं, विजन में, इनकरेक्ट विजन। दे क्रिएट सो मैनी पजल्स एंड प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चन इन अवर माइंड, और फिर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा जितना भी हो सके इतना जो मिसिंग लिंक है साइंस को समझने में वो क्लियर कर देने का, क्या कर देने का, क्लियर, बस फिर आपको इजी हो जाएगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जो महान पुरुषों ने, अनुभवी पुरुषों ने, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था सत्संग, कि मुक्ति का मार्ग सहज है, सरल है, सुगम है, अगर विज्ञान समझ में आ गया तो आपको रियलाइज होगा कि दिस इज अ फैक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें न कुछ करना है, न कुछ पाना है, न कुछ खोना है। आध्यात्म के मार्ग में न कुछ पाना है, न कुछ खोना है, और न कुछ करना है, और इसीलिए इसको सहज, सरल और सुगम बताया। मगर नहीं समझ में आएगा तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, मेरे को ये करना है, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करने से ये होगा, ये करने से ये नहीं होगा, यानी यू आर इन कन्फ्यूजन, फिर वो साइंस नहीं है, फिर वो रिलीजन है, क्या है। एंड रिलीजन एंड सोशल लाइफ दे क्रिएट द सो मेनी पजल इन अवर लाइफ, बिकॉज देर इज नो एथिक एंड प्रिंसिपल, इट्स ओनली व्यू पॉइंट, समझ में आएगा, और सबका वो अलग अलग रहेगा। तो मैं इसीलिए पहले नई जगह पे जाता हूँ तो पहले मैं बेस बना देता हूँ साइंस का, ताकि डोंट क्रिएट द कन्फ्यूजन और जो अननेसेसरी क्वेश्चन आंसर होते हैं और आर्गुमेंट होते हैं वो साइंस में जरूरी नहीं है, मगर आप नहीं जानेंगे तो करते रहेंगे। तो इसीलिए मैंने पहले पूरा बेस बना दिया साइंस का, क्या बना दिया, और जो भी उसका रहेगा वो बेस के ऊपर रहेगा, भले डीपनेस अलग लगाएंगे एज पर योर क्वेश्चन, मगर बेस तो यही रहेगा फंडामेंटल, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, गोल गोल बातें नहीं होगी, इनके लिए अलग, उनके लिए अलग, उनके लिए अलग, ऐसी नहीं होगी बातें, फॉर ऑल, समझ में आया। स्वामी जी और एक रिक्वेस्ट है, अगर किसको क्वेश्चन नहीं रहेंगे तो आप बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा हमको सबको यानी पूछिए, यानी ज्ञान का ये हो जाएगा, उपार्जन हो जाएगा कि बाउंसर गया है क्या, कुछ गुस्सा आया अंदर, यानी सही मायने में नहीं, इतना तो टेस्ट लेने का अभी नहीं मेरे पास राइट है इतना, क्योंकि आप सब फेल हो जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, नहीं चलिए, रिस्पॉन्सिबल टीचर नॉट स्टूडेंट। स्वामी जी छोटी वाले चमचम विद्या आए झमझम, नहीं हम पास ही होंगे, ये मेरी एग्जाम हो जाएगी, ये आपकी एग्जाम नहीं होगी, फिर भी छोटी वाले चमचम विद्या आए झमझम, नहीं नहीं बराबर,
नहीं अभी जरूरत नहीं है ना एग्जाम देने की, अभी आप समझते रहो समझते रहो, कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल स्लोली विथ प्रॉपर एग्जाम्पल और सिंपल भाषा में ये पूरा बेस जो है साइंस का वो मैंने समझाने की कोशिश किया है। मैंने कोई ऑर्नामेंटल वर्ड का उपयोग नहीं किया है और न ही कोई डेकोरेटिव वर्ड का उपयोग किया है और न ही मैंने समझाने के लिए कोई जंप लगाया है। धीरे 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 हर बातों को समझाने की विथ प्रॉपर एग्जाम्पल मैंने कोशिश किया है, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं कि ऐसी बात गोल गोल है, मैंने समझा दिया और आपको समझ में नहीं आया, धीरे धीरे एक एक बात मैंने प्रेजेंट किया है आपको कन्विंस होने के लिए, ठीक है। धीरे धीरे मैंने समझाने की कोशिश किया है, एकदम फटाफट बोलूँगा तो आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि साइंस है ना, उसमें स्पीड की ज़रूरत नहीं है, परफेक्शन की ज़रूरत होती है। तो प्रेजेंटेशन में परफेक्शन होना चाहिए, एग्जाम्पल भी बिल्कुल उसके आधार से को रिलेटेड परफेक्ट होना चाहिए, तभी लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बोलिए कोई प्रश्न पूछिए। रिलीजन में गुरु की जरूरत होती है, अध्यात्म में गुरु की जरूरत नहीं है, अध्यात्म में साइंटिस्ट की जरूरत है। तो वो एक तो अभी अपने जो प्रोसेस सब प्रोसेस बताया, एक प्रोसेस पे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? इंप्लीमेंट साइंस की इंप्लीमेंट विजन से होती है, एक्शन स्पीच और थॉट से नहीं होती है। किसे होती है? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आपका जैसी दृष्टि रहेगी, ये साइंस कितना समझा है दृष्टि में, उसी प्रकार से उसका उपयोग रहेगा। जितनी समझ में आपकी कचास रहेगी इतना आपका इंप्लीमेंट में भी कचास रहेगी, वो आपके ऊपर डिपेंड है, मगर उपयोग करना है दृष्टि से, मन वचन काया से नहीं करना है। मन वचन काया से जो कुछ भी करते हैं और पांच इंद्रियों से जो कुछ दिखता है उसमें यही साइंस का उपयोग करना है, ठीक है। एग्जाम्पल दे के समझाओ आपको, जैसे एक व्यक्ति को मैंने पैसा दिया 10,000 रुपया, मेरा फ्रेंड था, रिलेटिव था, नेबर था, उन्होंने कहा कि मैं 15 दिन महीने में वापस दे दूंगा। अभी 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल 2 साल 5 साल हो गए, अभी आपको वापस नहीं मिलता है, अब क्या करोगे? कर्म का रिपेमेंट आ गया। वो आपने बोला वो जवाब तो अच्छा है, गलत नहीं है, मगर आपका ईगो एक्सेप्ट करेगा? करता है। एक कंप्लेन करेगा? रिमाइंडर देंगे, उसको रिमाइंड कराएंगे कि पैसा देना लेना है। नहीं, मैंने क्या कहा, 15 दिन के लिए बोला था और आज 5 साल हो गया, तो आपने कितनी बार रिमाइंड किया होता, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आफ्टर 5 ईयर्स की बात करता हूँ। अच्छा, मैंने पहले आपको एग्जांपल पूरा सेटअप कर दिया है। एक व्यक्ति को मैंने उधार दिया, उन्होंने कहा बिजना 15 डेज मैं आपको वापस दे दूँगा, इसके बाद इतने सारे रिमाइंड करने के बाद भी 5 साल हो गए और हमको वापस नहीं देता है, आपके दिमाग में क्या होगा या आपका विजन क्या रहेगा? अभी मेरा खुद का एग्जांपल बोलो। आपका प्रश्न है तो आपका एग्जांपल देना पड़ेगा। तो मैंने एक आदमी को 50,000 रुपया उसके बेटे की शादी के लिए दिया था, तो बोला था 1 महीने के अंदर वापस करूंगा। ओके, उसको अभी 2 साल हो गया, 2 साल में मैंने एक टाइम भी उसको रिमाइंड नहीं किया। फिर और बाद में मैं ये सोच रहा था कि वो ही समझ यानी आप भूल गए। भूल गए, बहुत अच्छा, गुड। ये एक
ये आपको आपने आप इसको भूल गए या आपने इसको छोड़ दिया या आपके पास ऐसी कैपेसिटी थी कि वो छोड़ सके, फिजिकली इकोनॉमिकली कहो या मेंटली कहो, ठीक है, वो डिपेंड होता है, आप समझे ना, डिपेंड ऑन माइंड, डिपेंड ऑन इकोनॉमिकल सिचुएशन एंड डिपेंड ऑन फिजिकल सिचुएशन। अगर आपने 5 लाख रुपये आपको फ्रेंड को दिया है तो आपको टेंशन होता है कि नहीं रिन्यू करता है, और आप वही 5 लाख रुपया दामाद को दिया है तो टेंशन नहीं है। डिपेंड ऑन रिलेशन, डिपेंड ऑन इकोनॉमिकल कंडीशन। अगर आपने किसी को 1 लाख रुपया दिया है और आपके पास 100 करोड़ है, आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके पास 10 लाख रुपया है और 1 लाख रुपया दिया है नहीं देते तो टेंशन होता है। डिपेंड ऑन योर इकोनॉमिकल कंडीशन, ठीक है। तो सामाजिक कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, और थर्ड आती है मेंटल, मानसिक रूप से आप किस किस इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। ये दोनों कंडीशन तो मन पे आती है, थर्ड आती है स्पिरिचुअल कहो या रिलीजियस कहो, इससे भी आदमी भूल सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशन में हो सकता है, आप समझे ना, डिपेंड है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने इसको छोड़ दिया, ये छोड़ दिया वो साइंस नहीं है, क्या नहीं है, साइंस नहीं है। आपने छोड़ दिया इसको साइंस कहेंगे तो कोई मांगेगा तो वो भी साइंस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। छोड़ना वो साइंस नहीं है। साइंस का मतलब होता है आपको दृष्टि से साइंटिफिक प्रोसेस प्रूव करनी पड़ेगी, जो कि दुनिया चलती है साइंटिफिक सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो आपको साइंटिफिक प्रोसेस आपके विजन में होनी चाहिए। ये आपने छोड़ दिया, अच्छी बात है, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट इट इज गुड, मैं गलत नहीं कहूँगा, मगर ये साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है। ऐसा हर परिस्थिति में होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इट्स डिपेंड, हर समय संजोग अलग अलग होते हैं, व्यक्ति अलग होते हैं, आपकी कैपेसिटी अलग होती है, आपकी मानसिकता अलग अलग होती है, तो डिपेंड होता है। कोई रिक्शा वाला आएगा और हम स्टेशन से आएगा, बोला साहब 200 रुपया लाओ, बोला 200 रुपये को मांगते हैं, 150 रुपया होता है ना, रकझक करेंगे हम, एकदम से नहीं देंगे, बहुत चिल्लाएंगे तो छोड़ दो चलो 50 रुपया, ठीक है। मगर हमारे घर में काम वाला आता है, कहता है कि 100 रुपये ज़्यादा दे दो, आज मैंने बहुत कुछ काम किया है या तो मेरे को ज़रूरत है, तो बोला दे दो इसको, काम के लिए है आदमी, तो आप छोड़ सकते हो बिना कचकच, डिपेंड एनी वे, हर परिस्थिति के ऊपर डिपेंड है, मगर ये साइंस नहीं है। ये आपका सोशल कहो, मेंटल कहो या इकोनॉमिकल एडजस्टमेंट है, आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी का, सबकी अलग अलग होती है। ये साइंटिफिक वे से नहीं आप करते हैं, कभी कर भी सकते हैं कभी नहीं भी कर सकते, क्योंकि साइंटिफिक वे नहीं है ना। इसीलिए साइंस क्या कहता है, साइंस ये कहता है कि ये मन वचन काया कुदरती रचना है, और कुदरती रचना के आधार से ही आपने इसको पैसा दिया है, कर्मों का फल वो भी किस में जाएगा, कुदरती रचना में, आपने दिया वो भी कुदरती रचना है, वो नहीं देता है वो भी कुदरती रचना है, मगर मैं तो कुदरती रचना से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, वो भी शुद्ध आत्मा है, ठीक है। तो शुद्धात्मा के रूप में प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, न प्राप्ति करना है न लॉस करना है, न कुछ अचीव करना है, सिर्फ अज्ञानता निकालनी है, ये मैं कर रहा हूँ ये वो कर रहा है, दोनों अज्ञानता है, दोनों को कौन चलाता है, कुदरत चलाती है। तो वेरी द क्वेश्चन, देते तो भी क्वेश्चन नहीं है, नहीं देते तो भी, मगर ये साइंटिफिक प्रोसेस हुई, क्या हुई उसमें आपको मानना नहीं है, ये फैक्ट है, क्या है, अभी उसको सोशल में ले जाए, सोशल सामाजिक तौर पे, तो ये करेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, क्योंकि समाज एंड धर्म, समाज जो होता है वो मानवता के बेस पर है, और धर्म जो होता है वो कैरेक्टर है, क्या है, तो कैरेक्टर नहीं है तो आपका पावर नहीं रहेगा, या समाज में मानवता नहीं है तो
तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी, बार बार झूठ बोलोगे, चोरी करेंगे, देयर इज नो वैल्यू, मारामारी करेंगे, तो आपकी वैल्यू एज अ ह्यूमन नहीं रहेगी, और धर्म में कैरेक्टर नहीं है तो भी आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो सोशल इज अ डिफरेंट एंड स्पिरिचुअल इज अ डिफरेंट, आप समझे। लाखों लोगों की हिंसा करने वाले राम मोक्ष में जा सकते हैं वही बर्थ में, और लाखों लोगों की हिंसा करने वाले अर्जुन भी वही बर्थ में मोक्ष में जा सकते हैं, और हम चीटी भी नहीं मारते तो भी यहाँ घूमते हैं, देयर इज सम साइंस बिहाइंड, यस और नो, दैट्स इट। तो इम्पोर्टेंट कहाँ है? साइंस में, एक्शन में, मगर है व्यवहार सत्य और सनातन सत्य तो अलग अलग ही होगा ना, आप समझे ना, दैट्स इट। तो ये दोनों समझे ना, व्यवहार में जो सही है वो सही है, क्योंकि व्यवहार जो होता है वो सामाजिक सिद्धांतों के ऊपर होता है, तो इसको कहेंगे मानवता। अगर मानव बोलेगा और फिर झूठ बोलेगा तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, कपड़ करेगा वैल्यू नहीं रहेगी, मारा मारी करेगा वैल्यू नहीं रहेगी, किसी को चीट करेगा वैल्यू नहीं रहेगी उसकी, यू अंडरस्टैंड, कोई नहीं वैल्यू रहेगी, तो ये तो अपने आप हो जाएगा। अरे व्यावहारिक रीते संभव से डिमांड तो करना चाहिए, देना देवे बात की बात, लेकिन अध्यात्म के हिसाब से मेरे में देने की भी ताकत नहीं, उसकी लेने की भी ताकत नहीं, ठीक, ओके, यही साइंस है ना। हाँ, और दूसरा कौन सा आपको उत्तर चाहिए? नहीं, दूसरा कौन सा क्वेश्चन है आपका? साइंस में तो देना देना तो आपकी आपके पास फ्रीडम नहीं है, फिर क्वेश्चन कौन सा है? नहीं क्वेश्चन नहीं, एक इनकी बात बता रहा हूँ, ना मुझ में देने की ताकत है। वो तो पहले भी मैंने कहा, वो तो बता दिया, वो तो पहले बता दिया ना मैंने, कि दोनों के मन वचन काया कुदरती रचना के अधीन है। मैंने पहले भी तो वो कहा कि व्यवहार के तौर से वो कैरेक्टर नहीं है तो समाज में उसको मान्यता नहीं मिलती है, और समाज में उसकी जबान की या व्यवहार की वैल्यू नहीं होती। वो मैंने बोल दिया, ऑलरेडी रिकॉर्डेड। बे वर्ष पछी आज याद तो आवे छे, मैंने छो हूँ मांगतो नथी एने आपेल नथी, પણ એના કરતા રિમાઇન્ડ કરવું મને તો લાગે છે કે દાદાએ કહેલું છે કે માંગણી કરવી, વો આપકી બાત, આપને કહા રિમાઇન્ડ કરવાના ચાહીએ, और रिमाइंड करना वो ही हमारा व्यवहार फर्ज होती है, वो बराबर बात है, मगर ये आपका जो आपकी जो बात करने का जो लेवल है वो क्या है, वो रिलेटिव सत्य है, वो सनातन सत्य नहीं है। तो रिलेटिव सत्य में क्या होगा? रिलेटिव सत्य के अंदर, रिलेटिव सत्य में रूल्स एंड रेगुलेशन वो रिलेटिव लगेगा, वो यूनिवर्सल यूनिवर्सल नहीं लगेगा, हाँ। तो रिलेटिव सत्य में तो कहा ना मैंने, रिलेटिव सत्य वो डिपेंड ऑन योर इंडिविजुअल कैपेसिटी, आप माफ भी कर सकते नहीं भी कर सकते, पर यू आर राइट, माफ करोगे तो भी राइट है, नहीं करोगे तो भी राइट है, क्योंकि ये सोशल बात है, मैंने दिया है और आपने नहीं दिया है तो गलत ही है ना, मगर वो सोशल होगा, क्या होगा? देखो आप सिंपल बात समझो, जब आज कोई व्यक्ति 28 या 30 साल की उम्र में शादी करके उनको बच्चे भी है 2-3 साल की, और वो 30 साल की उम्र में शादी करके दीक्षा ले लेते हैं, आप क्या कहोगे? सोशली क्या कहोगे? नॉट फेयर। और महावीर मोक्ष में गए, what is the universal truth and what is the social fact, yes or no? तो मैंने पहले भी कहा सामाजिक सत्य और सनातन सत्य वो दोनों क्या है, और आज दुनिया कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि, और इसीलिए मैंने कहा, जब आध्यात्म में जब आपने रिचुअल्स जोड़ दिया, अपने आप रिलेटिव ट्रूथ हो गया। दादा ने गैर समझण तो नहीं थती ने कि आप अत्यारे ज गया खाते करी ना आप वाले, कहने का मतलब ये है कि दादा भगवान की जो ज्ञान का जो लेवल था एक अलग था, तो उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो उनके लिए तो करेक्ट है ही,
मगर सबकी क्षमता ऐसी नहीं होती है। एक ऐसी मांगणी करवी, उघराणी करवी, वो इसलिए वो कहते थे आप एक ही व्यक्ति का दो व्यू पॉइंट देख लो। उन्होंने ये कहा अपने लिए कि भाई मैंने किसी को 500 रुपया दिया था, मैंने कभी नहीं मांगा, एक बार सामने से आया तो मैंने याद करवाया, तो बोला मैंने आपको दिया है, तो घर पे जाके सर। और दादा भगवान ये भी कहा, मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को बिजनेस के अंदर, परिवार के अंदर, पड़ोस के अंदर, समाज के अंदर हेल्प किया है, मगर कभी वापस लेने के लिए नहीं गया। वो भी उन्होंने कहा है नहीं गया, तो मतलब क्या हुआ, याद ही नहीं किया, गया नहीं का मतलब क्या हुआ, नेवर रिमाइंड। मगर हाँ उन्होंने ये कहा कि महात्माओं की ये कैपेसिटी नहीं है, तो उन्होंने कहा यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट, प्रयास करो, गलती नहीं है आपकी, आपने दिया है, प्रयास नहीं करोगे तो आपका ईगो एक्सेप्ट नहीं करेगा। या सुन लो, आपके पास ऐसा ज्ञान नहीं है कि इस अवस्था को आप डाइजेस्ट कर सको विदाउट राग, तो इसीलिए कहा, तो इसीलिए कहा कि आपको प्रयास करना चाहिए, हैज पर योर एबिलिटी, वो कोई मना नहीं करता है, कोई मना नहीं करता है, इज ओके। मगर एक बात ध्यान रखो, अभी आध्यात्म की बात करता हूँ, आध्यात्म के मार्ग में प्रयास वो भी परिणाम है, पुरुषार्थ में आध्यात्म के, सोशल में कहेंगे पुरुषार्थ करो, बराबर है, सबका लेवल अलग अलग है, तो दोनों बात को अलग करना है हमको बस समझने के लिए। मगर कोई प्रयास नहीं करने का तो कोई बात नहीं करते, सोशली आपको प्रयास करना चाहिए, आध्यात्म में प्रयास भी व्यवस्थित है, क्योंकि वो भी क्या हो, मन वचन काय की अवस्था मात्र दृष्टि, तो फिर प्रिंसिपल आ गए कि आपती वक्त जो दृष्टिकोण हो ने अभी समझन की कि पूरी जाना से आपती ने तो पछि बांधो नहीं, वो तो बराबर है, मगर सबकी ऐसी सोच होनी चाहिए ना। पर अत्यारे जे मने बे वर्ष याद आवे छे तो आपती वक्त ये दृष्टिकोण न तो, पर अत्यारे कदा दादा नी समझणे और किसी को इस साइंस में हम लोग अच्छे कर्म करने वाले लाउडली रिकॉर्ड हो रही है, इस साइंस में हम अच्छे कर्म करने वाले हैं ऐसा हम सोचते हैं, तो अच्छे कर्म का सिंपल वे क्या है, जैसे हम सिंपली हम अच्छे कर्म कमा सके, या हम हमें हमारे मन में नहीं होता है किसी को हर्ट करना है तो फिर किसी को दुख देना है, बट सामने वाला परिस्थिति ऐसा क्रिएट कर देता है कि हमारा कर्म बदल जाता है, तो हमें जो करना होता है वो नहीं कर पाते हैं, तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं सिंपल में। देखो सबसे पहली बात यह है कि हम अपने मूल स्वभाव को माइंड करके प्रकृति को इतना इम्पोर्टेंट मत दो ताकि हमारी स्थिरता चली जाए। परिस्थिति प्रकृति के अंदर अप्स एंड डाउन्स आएगा, कर्मों के मुताबिक सबको आएगा, रामकृष्ण महावीर को भी आया था, इसमें भी मना नहीं करूँगा, मगर उनका जो इनर इंटरनल स्ट्रेंथ थी ज्ञान की वो बहुत पावरफुल थी, और वो हमारे हाथ में है, बाहर की परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, तो आपकी भी आपके पास आपका मनोवचन काय का कंट्रोल नहीं है, और सामने वाले के पास उनके मनोवचन काय का कंट्रोल, और दोनों की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो साइंस बताता है। इसमें आप इनको डूअर मानते हैं, डूअर समझते हैं, आपने ऐसा किया, ये आपकी अज्ञानता है इन साइंस, नाउ यू अंडरस्टैंड, आपने उसको पावरफुल बना दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया उसको, नहीं उसको पावरफुल बना दिया, आपकी गलती से कि वो पावरफुल है, ये व्यक्ति जानबूझ के ऐसा करते हैं, तो ये आपकी अज्ञानता है, तो अज्ञानता के बस आपको भी प्रेशर आएगा, आप समझे, क्योंकि यू आर नॉट यूटिलाइज द फैक्ट। ऐसा नहीं है कि आप प्रयास नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि पूरा लाइफ ही रिजल्ट है,
एफर्ट वो तो रिलेटिव ट्रूथ है, क्योंकि आपको जब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो क्या कहेंगे, प्रयत्न तो करो, करेंगे कि नहीं करेंगे? वो आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए है, किसके लिए है? मगर आपके पास परफेक्ट विजन है और परफेक्ट विजन काम करता है तो देखते रहो, प्रयास होते हैं या नहीं होते हैं, आते हैं वापिस या नहीं आते हैं, जो भी होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने आप को, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल सेल्फ, नॉट रिलेटिव सेल्फ, अपने आप को इतना बड़ा मानो क्योंकि है, इससे बड़ा न शरीर है न कोई बाहर के संजोग है। आई एम द वन एंड एक्सेप्ट माई वन, एवरीथिंग इज जीरो एंड देर इज नो वैल्यू ऑफ जीरो, द वैल्यू ऑफ द जीरो बिकॉज ऑफ आई एम, यस और नो? दैट्स इट। If I am, the value of the body is there, value of the money is there, value of the relation is there, value of the life is there, but if I am not, then there is no value. So value meri hai ya iski hai? Now you understand? Always be fulfilled for that. That's it. Hum apne aap ko kyun kamzor samajhte hain? Maine apne satsang mein kahi baar mahatmaon ko kaha hai, aapka jo interpretation एंड अंडरस्टैंडिंग अगर रॉन्ग है तो आप जिंदगी में साइंस का अनुभव कैसे कर सकते हो? आपकी जबान अलग है, क्या है जबान अलग है और एक्शन अलग है, फिर क्या करोगे? हमारे सभी महात्मा जो है रोज पढ़ते हैं, मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं अनंत दर्शन वाला हूं, मैं अनंत सत्य वाला हूं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? फिर जब तकलीफ आ जाती है तो शक्ति मांगते फोटो के पास, तो ऐसा कौन है फोटो में सकती है? तो बोलने का नहीं, मांगने का, बोलने का नहीं, और जो बोलते हो मानने का नहीं, यही साइंस है ना? जो मानते कि अनंत शक्ति है वो मांगने का नहीं है, और हम कहेंगे फोटो में सकती है बोलो, तो बोलने का नहीं मगर मानने का वहां, अब ये साइंस कहेंगे? थिंक अबाउट, सो बी प्रैक्टिकल। दुनिया क्या करती है? फॉरगेट इट। मैंने पहले भी कहा था मुक्ति का मार्ग इंडिविजुअल है, सामूहिक नहीं है। राम मोक्ष में गए, सीता नहीं गए थे, यस और नो? महावीर गए, उनके धर्मपत्नी नहीं गई है। अर्जुन गया, उनकी धर्मपत्नी अभी यहां है। सो द पाथ ऑफ द मोक्ष इज ऑलवेज इंडिविजुअल, इट्स नॉट फैमिली प्रॉब्लम, इट्स नॉट प्रॉब्लम ऑफ मास ऑफ पीपल, ऑल द टाइम्स आइदर इन कलयुग और सतयुग, इट इज अ प्रिंसिपल। भी आप नहीं समझोगे तो लोग क्या कहेंगे फिर? और कोई तकलीफ नहीं है, आपको ही समझना पड़ेगा, वो भी आपके लिए और किसी के लिए नहीं। तो सिंपल बात है, हम अपने आप को क्यों कमजोर समझते हैं? एज अ रियल स्पीकिंग, रिलेटिवली हो सकते हैं ड्यू टू द कर्म, पर रियल को तो कर्म नहीं है ना। आई एम अ सुपर पावर इन दिस वर्ल्ड एज अ रियल, रिलेटिवली जो भी है। राम को भी वनवास हुआ था, क्या मतलब है इसमें? गलती थोड़ी है, कर्म है उदय का, ठीक है। अभी ये भाई साहब है, ये उनकी वाइफ को लेके घूमने के लिए गए, उनकी वाइफ को उठा के ले गया, फिर गांव में वापस आया शहर में और अपने परिवार को मित्रों को बताया कि मेरी वाइफ उठा के कोई ले गया। लोग क्या समझेंगे इसको, क्या समझेंगे? आपको क्या कहेंगे लोग सोशल मीडिया? क्यों नहीं ध्यान रखा? नहीं, इतना ही कहेंगे बस, ध्यान दृष्टि से गालियां देंगे इनको, बहुत व्यवहारिक दृष्टि से। यू आर नॉट कैपेबल टू मैनेज योर वाइफ, मगर राम को नहीं कहेंगे? नहीं समझ में आया? यही तो बात है, जो राम को लागू होती है वो आपको लागू होती है, मगर आपके पास साइंस नहीं है। यू आर द ओनली सोशल पर्सन, सो यू आर सफरिंग। इज अ साइंटिस्ट नो सफरिंग मेंटली, फिजिकली इज देयर, इट्स अ उदय कर्म, मेंटली नॉट सफर बिकॉज दे नो दैट आई एम नॉट राम, इज द कर्म ऑफ लॉर्ड रामा, आई एम नॉट राम, आई एम टोटली सेपरेट देन द लॉर्ड रामा, आई एम अ प्योर सोल, आई हैव नो टाइटल, नो लाइफ एंड नो सफरिंग, यस और नो? दैट्स इट। तो बात तो समझनी पड़ेगी नहीं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल एंड स्पिरिचुअल, मुझे समझनी पड़ेगी। ये दोनों समझोगे तब मालूम होगा कि विज्ञान स्पिरिचुअल साइंस क्या है, धर्म क्या है,
और सोशल लाइफ क्या है, सबको सिद्धांत से समझोगे तब मालूम होगा, श्रद्धा से नहीं मालूम होगा। समझ में आता है? हर बातों को अगर आगे बढ़ना है तो फिर तो सोशल का आपको आंसर चाहिए, तो वो तो घुमा घुमा के वही कहेंगे जो कहते हैं लोग, और वही बात मैं भी करूंगा, तो व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द स्पिरिचुअल साइंस एंड रिलीजन? देयर इज नो डिफरेंट, यस और नो? मैंने अपने जीवन में तय किया है कि साइंस के अलावा कुछ भी बात नहीं करने की, जगत स्वीकारे या ना स्वीकारे, दैट इज नॉट माई सब्जेक्ट। What is I realize today, I present the people of the world as it is. Maybe they accept it or not, but my vision is on a basis of science. आपके स्वीकारने न स्वीकारने से साइंस परिवर्तन नहीं होगा। राम की बात मानो या न मानो, कृष्ण की बात मानो या न मानो, महावीर की बात मानो या न मानो, या दादा की बात मानो या न मानो, साइंस वही रहेगा। नहीं मानोगे तो भी, नहीं मानते हैं ये हमारा पावर नहीं है, हमारी इग्नोरेंसी है। स्वामी जी और एक सत्य बताइए, ये साइंस से मुक्ति है, जो सनातन सिद्धांत है उससे मुक्ति है, मोक्ष है उससे, ये हम मानते हैं। तो श्रद्धा की एक बात ये भी आ गई ना कि अभी जो महाविद्या क्षेत्र में जो विराजमान है, तो उन यहाँ से महाविद्या क्षेत्र जाइए, उनका दर्शन करे या जो भी है, तो उसके बाद ही मुक्ति है। तो ये साइंस से मुक्ति है या सिमंदर स्वामी से मुक्ति है, वो सत्य जरा बताइए आप। ये श्रद्धा और साइंस, व्हेन यू टॉक अबाउट द प्लेस एंड पर्सन, इट्स अ रिलेटिव ट्रुथ। अगर आप व्यक्ति और स्थान की बात करोगे वो रिलेटिव सत्य है। अगर आप सिद्धांत की बात करो, यू आर क्वालिफाइड फॉर द मोक्ष, नेचर विल गिव द महाविद्या क्षेत्र एंड तीर्थंकर। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप जब सिद्धांत की बात करोगे, तो कहने का मतलब ये है कि मोक्ष में जाने के लिए अगर आप क्वालिफाइड हो ज्ञान दर्शन और चारित्र से, तो कुदरत आपको इस प्रकार का क्षेत्र भी देंगी और तीर्थंकर का दर्शन भी वो करवाएगी। वो उनकी ड्यूटी है। किसकी ड्यूटी है? कुदरत की। अगर आपने इस बर्थ में नरक गति जैसे कर्म चार्ज किए, तो नरक गति मांगने की जरूरत है या कुदरत देगी? अगर मैंने देवलोक जैसे कर्म चार्ज किए, तो देवलोक मांगने की जरूरत है, कुदरत देगी? अगर मैंने पासवी कर्म किए, तो पशु योनि मांगने की जरूरत है, कुदरत देगी? तो अगर मेरा ज्ञान दर्शन डिवाइन होगा, स्पिरिचुअल होगा और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक होगा, तो ये संजोग देने की जिम्मेदारी किसकी है? कुदरत की। इस रिक्वायर्ड द डिमांड, जरूरत है मांगने की, मगर मांगना वो रिलेटिव सत्य है। यानी ये साइंस, यानी ये डायरेक्ट एंट्री है, यानी ये जो श्रद्धा है तो उसको कहना खंडित कर दी है। खंडित नहीं करती, जो साइंस नहीं समझते उनके लिए तो वही है ना ऑप्शन। साइंस नहीं समझेगा तो कहेंगे मांगो, मांगने से मिलता है तो लोग कहीं कहेंगे, अगर महात्मा है तो ये कहेंगे महाविद्या क्षेत्र में जाओ सिमंदर स्वामी के पास, वही मांगेंगे। और अगर संसारी व्यक्ति है तो कोई कहता है मैं अब्जोपति बन जाऊँ मुकेश अम्बानी जैसा, वही मांगेंगे। मांगने से अगर मिलता है तो फिर दुनिया में सब अम्बानी बन जाएंगे। तो दिन भर दिया क्रियाकर्म करते ही बैठते हैं। नहीं, अगर मांगने से मिल जाएगा सब मुकेश अम्बानी बन जाएंगे। अगर मांगने से मिलता है तो फिर कम क्यों मांगे, अगर मांगना ही है तो। मगर ऐसा नहीं है, उनके पीछे साइंस है। मांगना और फुलफिल होना, उसके पीछे साइंस का राज है। तुम्हें नेक्स्ट सेशन में बताऊँ, ये सब समझने की बात है। ये सब हम साइंस नहीं समझते, यही तो पजल है। लोग कहते भाव करो भाव करो, फिर कहता है मैंने भाव किया है, फिर रिजल्ट क्यों नहीं आता है, फिर उत्तर दूसरा दिन मिलेगा। तो जब पहले साइंस बताओ ना, तो साइंस नहीं मालूम है तब ये कन्फ्यूजन होता है। अगर मांगने से मिलता है तो सब कहेंगे मेरे को वाणी क्षेत्र में जाना है। अगर हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिसको मुख से जाना है तो क्यों नहीं मिलता है, मांगते तो है क्यों नहीं मिलता है? जब तक उसका सब खत्म नहीं हो जाएगा तो बात वही की वही आ गई फिर। तो खत्म नहीं होगा तो हम यही कहते खत्म नहीं होगा, जब तो महावीर क्षेत्र नहीं मिलेगा, सिमंदर स्वामी नहीं मिला, तो मांगने की बात कहाँ आई फिर? बेसिक क्वेश्चन यही है, श्रद्धा और साइंस। इसीलिए कहा कि मांगना वो श्रद्धा है, सिद्धांत ये है कि व्हेन यू क्वालिफाइड
नेचर विल गिव यू दैट्स इट. उसमें आपकी भी चॉइस नहीं है, नेचर की भी चॉइस. आपने जब बीज डाला है तो फल तो मिलेगा, इसलिए वहां ऑप्शन नहीं. मगर बिना क्वालिफिकेशन आप मांगोगे तो नहीं मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल में बताएंगे क्यों नहीं मिलेगा वो पूरा. जाने श्रद्धा से ऐसा है, श्रद्धा से मानिए तो ऐसा कि यहाँ पुण्य बड़ा बढ़ाओ तो आपका ये बहेगा, ये श्रद्धा से विषय हो गया. लेकिन रियल ट्रुथ ये है कि साइंस अच्छी तरह से समझ लो, उसमें इम्प्रूवमेंट करो, अपना डेवलपमेंट करके रहो तो मुक्ति है. प्रार्थना बुलाते हैं. हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है. आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है. मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है. हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ. अज्ञानता के बस मैंने जो जो दोष किए है वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ. उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ. हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूँ. ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करे. हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो. आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद.